हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक डिटेल रिवीजन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इसके बाद मैं एक क्विक रिवीजन लाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें हम सेक्शंस को रिकॉल करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बस पास में अपने बेरेक्ट रखना ताकि जैसे जैसे मैं सेक्शन बोल रही हूँ, जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ और मैं अपने नोट्स भी इसमें इंक्लूड करे, मैंने थोड़े बहुत जो शायद 8 या 10 सेक्शन के नोट्स इंक्लूड करे हैं, हम उसमें से भी उसको समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा एक्ट है? एक्ट नंबर 9, 1872 का। देखो, ये जो वीडियो है उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को एटलीस्ट 1 या 2 बार पढ़ चुका होगा ताकि उसको रिवीजन में हेल्प हो। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला इस एक्ट को हमने क्या बोला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन केम इन टू फोर्स कब आया था? फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर में 1872। ओके, एसेंट कब मिल गई थी? 25 अप्रैल 1872। बट इनफोर्स में कब आया वो? फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर। अब आ जाओ आगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं, पहला बोल रहा है किस बारे में? प्रपोजल के बारे में। जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बता रहा है दूसरे को ये करना है कि नहीं करना, क्यों बता रहा है? ताकि वो सामने वाले का एसेंट ले सके, तो हम कहते हैं कि उसने क्या किया है, प्रपोजल किया है। ए ने बताया किसको? बी को, भाई मेरे को मेरी कार बेचनी है, क्या आप लोगे क्या? तो मैंने क्या बताया, अपनी विलिंगनेस। विलिंगनेस किस चीज की? कि मुझे कार बेचनी है। किसको बताया? बी को। क्यों, और क्यों बताया मैंने? ताकि मेरे को ऑब्टेन करनी हो उसकी एसेंट, कि मैं बी का आंसर सुन सकूं कि वो यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो मैंने यहां क्या किया? प्रपोजल किया। ओके, अब आ जाओ आगे, बी में क्या बोल रहा है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। जैसे बी ने बोल दिया हां भाई मेरे को तो कार तेरी लेनी है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जो मैंने प्रपोजल किया था अब उसको क्या मान लिया जाएगा? कि वो क्या हो चुकी है? एक्सेप्ट हो चुकी है। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अब जैसे प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस किस में रिजल्ट करेगा? विल बिकम अ प्रोमिस। क्या हो जाएगा वो? प्रोमिस। इसका मतलब क्वेश्चन क्या आता है, What becomes a promise? Promise क्या बनता है? एक proposal promise बनता है जब उसको accept कर लिया जाता है। मैंने क्या बोला? Proposal plus acceptance, हमें पता है क्या होता है? Promise। मैंने बोला promise क्या बनता है, क्या होता है, कैसे बनता है? Proposal जब accept हो जाता है वो promise बन जाता है। Okay? अगले पे आओ, जो पर्सन प्रपोजल करता है वो होता है प्रोमिसर, पर्सन जो एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रोमिसी। ओके, डी पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या बोला? इसमें देखो थोड़े थोड़े पहरे में इसको डिवाइड करो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स में, छोटे छोटों में। जब प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन, मतलब किसका, किसके कहने पे? प्रोमिसर की। प्रोमिसर की डिजायर पे जब प्रोमिसी या कोई और पर्सन हैज डन या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कुछ किया था या उसने रोका था करने से, इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन के बारे में बात कर रहा है। फिर मैंने बोला डज या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कि प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर कंसिडरेशन की बात कर रहा है। समथिंग समथिंग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्ट या एब्सटिनेंस या प्रॉमिस, तो वो एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस क्या माना जाता है? कंसिडरेशन। अब यहाँ पे भी कंसिडरेशन का क्वेश्चन क्या आता है? कंसिडरेशन किसके लिए होता है? हमेशा प्रॉमिस के लिए। क्यों? देखो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आता है यहाँ पे, जो हमारा क्या बनाता है, मिलके एग्रीमेंट बनाता है। तो इसलिए यहाँ बोला कंसिडरेशन किस चीज के लिए देते हैं हम? हम कंसिडरेशन दे रहे हैं प्रॉमिस के लिए, ताकि वो हमारा एग्रीमेंट में रिजल्ट हो जाए। ओके, आओ आगे। ई कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो भी कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, इसका मतलब अगर हम देखें एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस में एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? Bilateral promises, मतलब कि ये दोनों तरफ से जब प्रोमिस होते हैं, बट एवरी प्रोमिस यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको यूनिलेटरल, जब एक ही पार्टी प्रोमिस करती है। जैसे कि हम कहां पढ़कर आए थे? जनरल ऑफर में। जनरल ऑफर में जब एक ही पार्टी ऑफर करती है, ओके, और एक्सेप्ट कोई भी कर सकता है कंडीशंस को फुलफिल करके। अब आ जाओ अगला एफ। अच्छा, ये एग्रीमेंट ये रह गया, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये प्रोमिस इसने किया यहां से, इसके बदले में इसने कोई कुछ कंसिडरेशन मांगा। अब इसका जो कंसिडरेशन होएगा वो इसका प्रोमिस बन जाता है, और इसका जो कंसिडरेशन होता है वो इसका प्रोमिस होता है। तो ये क्या माना जाता है? एक एग्रीमेंट माना जाता है। देखो, अब इस चीज का मैं एक एग्जाम्पल देती हूं कैसे। देखो, मैंने बोला ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला भाई
भाई तो मेरे को 10,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को मेरी कार प्रॉमिस करता हूं दे दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ए का प्रॉमिस क्या है कि मैं तेरे को मेरी कार दूंगा, बट इसने कंसिडरेशन क्या मांगा कि मेरे को 10,000 रुपए चाहिए होंगे। ओके, ये था ए का। बी ने बोला भाई मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, ये बी का क्या है प्रॉमिस। इसका कंसिडरेशन क्या है, भाई तू मेरे को कार दोगे फिर। अब ये क्या हुआ, इसका जो प्रॉमिस होता है वो सामने वाले का कंसिडरेशन होता है, और जो इसका कंसिडरेशन होता है वो सामने वाले का प्रॉमिस होता है। ओके, तभी तो वो एग्रीमेंट में रिजल्ट करेगा। आ जाओ आगे एफ में, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, हम इसको रेसिप्रोकल प्रोमिस में भी लेकर चलते हैं, जिसको हम कहां पे पढ़ते हैं, सेक्शन 51 के साथ, कि सेक्शन 51 किसका, कॉन्ट्रैक्ट का ही। ओके जी, मैं बताया जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं होते हम उनको क्या कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट, जैसे हमारे 26 में भी है, 27 में भी है, बहुत सेक्शंस में वॉइड एग्रीमेंट दे रखा है, एक्सप्रेसली भी दे रखा है और इम्प्लाइडली भी दे रखा है। फिर एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब अभी हमारी टेबल होगी कंप्लीट, कौन सी, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी वो क्या रिजल्ट करेगा, इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये एनफोर्सिबल कब होएगा, अब ये बताओ इसकी कंडीशंस कहां ले डाउन है, सोचो कहां पे होंगी। इसकी कंडीशंस हमें दे रखी है सेक्शन 10 के अंदर कि कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये पूरी एक टेबल फॉर्म होती है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट में बदलता है। जैसे इसके साथ एनफोर्सिबिलिटी आ जाएगी जो हमारे सेक्शन 10 में दे रखी है कंडीशंस, देन दैट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर आ जाओ आई पे। कह रहा है एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल होता है लॉ के द्वारा सिर्फ एक ही पार्टी के ऑप्शन पे, ओके, बाकी दूसरों के ऑप्शन पे नहीं, वो होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम सेक्शन 15 में पढ़ते हैं, 16 में पढ़ते हैं, क्या चीज, सपोज अंडू इन्फ्लुएंस, टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया, अंडू इन्फ्लुएंस यूज किया, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करी और कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर कर गया। तो यहाँ पे ये जो वॉइडेबल होएगा किसके कहने पर वॉइडेबल होएगा, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, और इस केस में कौन है, हमारा स्टूडेंट। ओके, फिर आ जाओ जे पे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबल अब नहीं हो सकता, जो सीज हो गया, खत्म हो गया वो एनफोर्सिबिलिटी, उसकी नहीं हम उसको लागू कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाते हैं। ओके, ये अब हमारी सारी डेफिनेशन हो गई खत्म, अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाओ सेक्शन 3 पे। देखो सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन की बताई है 3 से सेक्शन 5 में। देखो अब कम्युनिकेशन में क्या बताया है, कैसे होएगा सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस कैसे होएगा प्रपोजल का, रिवोकेशन कैसे होएगा प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का। कह रहे हैं जो भी चीज तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे तुम प्रपोजल का कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्सेप्टेंस का कर रहे हो या रिवोकेशन का कर रहे हो, रिवोकेशन मतलब अगर तुम इन चीजों को कैंसिल कर रहे हो, तो उस चीज को तुम सामने वाली पार्टी को कैसे कम्युनिकेट करोगे। इन्होंने बोला कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, मतलब जो भी पार्टी कैसे भी कुछ भी करके कम्युनिकेट कर सकती है, कैसे, पर उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हाँ वो कम्युनिकेट कर रही है, या जो वो कम्युनिकेट कर रही है उसका इफेक्ट क्या है कि सामने वाली पार्टी को पता होना चाहिए। अभी इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 बोलता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कब मानी जाती है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है जैसे वो सामने वाले को पता लग जाए जिसको हम प्रपोजल कर रहे हैं। इट मींस ए ने बी को बोला भाई मेरी कार लेगा, इसने प्रपोजल किया, ए की तरफ से वो प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा जैसे बी को पता लगा कि हाँ ये मेरे पास कार का ऑफर आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कब कंप्लीट मानेंगे, यहां पे दो सिचुएशन है, एक तो होती है प्रपोजर के अगेंस्ट में, एक होगी हमारी एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, ठीक है। कैसे होगी, देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोली है प्रपोजर के अगेंस्ट में, ए ने बी को बोला, ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। देखो ध्यान से,
यहाँ पे बात करिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। ए ने जब बी को बोला कार के लिए, सपोज इसने फर्स्ट तारीख को बोला, इसने फोर्थ तारीख को बोला, अब बी को क्या है फोर्थ तारीख को पता लग गया कि मेरे को जो है ऑफर मिला है किस चीज का, कार का। बी ने क्या है एट्थ तारीख को इसको ए को दोबारा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, तो जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, बी करेगा। अब एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट में कब मानी जाएगी कि इसने कर दी है कंप्लीट अपनी एक्सेप्टेंस, जब इसने अपने आउट ऑफ द पावर कर दिया है एक्सेप्टर ने, मतलब सपोज बी ने मेल डाली, ओके बी ने मेल डाली, जैसे बी ने एट्थ तारीख को, फोर्थ को तो उसको नॉलेज में आई किसके, बी के, जैसे एट्थ को ये मेल पोस्ट करने गया, उस टाइम एट्थ को मान लिया जाएगा कि ए के लिए वो एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट हो गई है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोला है प्रपोजर, प्रपोजर था ए, बट यही चीज मैंने बोला बी के अगेंस्ट में कब मानेंगे कि वो एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट मानी जाएगी, जैसे ए को मेल रिसीव हो जाएगा हम मान लेंगे कि जो कम्युनिकेशन थी वो एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन था हमारा बी, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर जो है कंप्लीट हो चुकी है। ओके इजी था ये भी, ये जो मैं आगे के डिटेल वीडियोस लूंगी ना हर थोड़े थोड़े सेक्शंस की करके, उसमें मैं और भी अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगी, यहाँ पे हम सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आ जाओ फिर, कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ठीक है, जो भी रिवोक करना चाहता है, सपोज ए ने बी को बोला ऑफर दिया इसने कार के लिए, अब ए उस चीज को रिवोक करना चाहता है, जैसे इसके आउट ऑफ पावर हो जाएगा, मैंने जैसे मेल डाल दिया मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से द पर्सन हु मेक्स इट उसकी तरफ से मान लिया जाएगा कि वो क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है। बट टू होम इट इज मेड, बी के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में कब माना जाएगा रिवोकेशन, जब इसकी नॉलेज में आ जाएगा। ओके अब आ जाओ इलस्ट्रेशन पे, ए प्रपोज करता है बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस, ए ने बोला भाई मैं तेरे को जो हूं अपना घर बेचना चाहता हूं कुछ सर्टेन प्राइस पे, ओके लेटर से दिया था, कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कब माना जाएगा, जब वो सॉरी प्रपोजल बोला ये एक्सेप्टेंस है ना, प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, किसकी नॉलेज में, एक्सेप्टर की, दैट इज हियर बी। ओके ये भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, इजी आप देख लेना। अब आओ सेक्शन 5 पे, सेक्शन 5 बोलता है हम कब रिवोकेशन करते हैं प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का, ये हमने बोला कि सेक्शन 4 के पैरा 2 के साथ पढ़ेंगे, कैसे देखते हैं। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल, सॉरी प्रपोजर, मैंने बोला अगर ए ने बी को प्रपोजल दिया वो उसको कभी भी रिवोक कर सकता है Before the communication of acceptance is complete, communication of acceptance किसके against में, proposer, अब हम ऊपर देखते हैं कि communication of acceptance तो ठीक है, किसके against में, proposer, कब complete होती है, when it is put into the course of transmission, किसके द्वारा, acceptor के द्वारा, इसका मतलब ये A जो है वो revoke कर सकता है इसके mail डालने से पहले पहले, 8th यहाँ पे मैंने बोला था first तारीख, ये फोर्थ, ये एट्थ, मैंने बोला एट तारीख को इसको मेल डालनी थी, एट से पहले पहले सेवन को सिक्स को कभी भी ए रिवोक कर सकता है। अगला एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी, मैंने बोला था यहां पे प्रपोजल ये तो ए कर सकता था, अब एक्सेप्टेंस जो बी रिवोक करेगा, जस्ट वेट, तो कब रिवोक होगी, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट afterwards, यही चीज हमने सेक्शन 4 के पैरा 2 में पढ़ी थी, हमने बोला किसी भी टाइम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के जो अगेंस्ट है उससे पहले, तो अब देखते हैं कब थी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर से एक्सेप्टर के अगेंस्ट में, जब हमने बोला प्रपोजल की नॉलेज में आ जाए, इसका मतलब अगर इसने जो मेल भेजी बी ने और ये ए को रिसीव होनी थी सपोज 15th को, ओके ए को रिसीव होनी थी 15th को, तो बी जो है अपना रिवोकेशन कर सकता है, कब कर सकता है, 15 डेट से पहले पहले 14 तक कर सकता है, क्या रिवोक, क्या चीज रिवोक, अपनी जो एक्सेप्टेंस उसने मेल के थ्रू भेजी थी। अब जैसे कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे वो रिवोक पहले क्यों कर सकता है या कैसे कर सकता है, तो ऑब्वियस है जो स्पीड पोस्ट होती है या जो भी स्पीडी वे है, स्पीडी मैनर है, उससे वो रिवोक कर सकता है। ओके
अब आ जाओ सेक्शन सिक्स पे। सेक्शन सिक्स में बोला रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे किया जाएगा। हमने बोला प्रपोजल रिवोक होता है कैसे, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर। जब प्रपोजर नोटिस दे देगा दूसरी पार्टी को, अगर सपोज प्रपोजर ने क्या किया, अपना जो नोटिस है रिवोकेशन का अपने एजेंट को दिया या किसी थर्ड पर्सन को दिया कि जा जाके ना एक्सेप्टर को बोल दे मैं अब जो हूं अपना प्रपोजल रिवोक कर रहा हूँ, क्या ये वैलिड होगा। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि वो जो रिवोकेशन का नोटिस है वो प्रपोजर की तरफ से ही आना चाहिए। सेकंड, जब हमारा लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा। थर्ड, जब कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करी जो हमने पहले से कंडीशन प्रेसिडेंट रखी थी। फोर्थ, मैंने बोला डेथ या इनसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। अगर फैक्ट ऑफ इज डेथ कम्स टू द नॉलेज बिफोर एक्सेप्टेंस, मैंने बोला अगर बी की नॉलेज में आने से पहले पहले डेथ हो गई किसकी, प्रपोजर किया, वो इंसेन हो गया, तब तो ओके रिवोकेशन हो जाएगा प्रपोजल का। बट सपोज इसने जो है, हमने बोला, हमने क्या कि ए ने बोला बी को भाई मैं कार दूंगा, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया कार। जब इसका एक्सेप्ट हो चुका था, तब जब ये एग्रीमेंट में एंटर कर चुका था, उसके बाद क्या हुआ, जो प्रपोजल था हमारा ए, उसकी डेथ हो गई। तो अब क्या है, उस एग्रीमेंट के लिए फिर कौन लाइबल होगा? ऑब्वियस है, ए के एल आर, दैट इज जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डेथ हुई है वो कम्स टू द नॉलेज आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद उसकी नॉलेज में आई है। बिफोर एक्सेप्टेंस आती तो वो रिवोक हो चुका होता। ओके, अगला सेक्शन, सेक्शन सेवन कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट। कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल इनटू प्रॉमिस। अब मैंने क्या बोला, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो मैंने बोला जब मेरे को प्रपोजल को कन्वर्ट करना है प्रॉमिस में, हमारी ये जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए। वो सेक्शन सेवन बोल रहा है कि हमारी वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब कोई भी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, एज इट इज जो है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर मानो हमने कोई कंडीशन रख दी सामने से, तो क्या वो हमारी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होगी? आंसर इज नो। और उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं, हम उस ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ए ने बी को बोला भाई मैं तेरे को कार दूंगा 50,000 तक की, ठीक है, ये क्या है, ए ने ऑफर दिया। बी क्या बोल रहा है, नहीं नहीं साहब जी ऐसे मत करो, आप ना मेरे को 40,000 की दे दो। तो ये क्या किया बी ने, काउंटर ऑफर। जैसे काउंटर ऑफर होता है, ये रिजल्ट करता है एंड ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, मतलब जो हमारा पहला ऑफर था उसको खत्म कर देता है। ओके, इसलिए हम बोला एक्सेप्टेंस हमारी कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। दूसरा, हमें एक्सप्रेस करना होगा कुछ यूजुअल या रीजनेबल मैनर में। ये जनरल रूल बताया है कि एक्सप्रेस करना होगा यूजुअल या रीजनेबल मैनर में, अनलेस अ प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अनलेस, जब तक कि प्रपोजर नहीं बता देता कैसे मेरे को एक्सेप्ट करना है। अगर सपोज प्रपोजल ने प्रिस्क्राइब कर दिया मैनर किसमें एक्सेप्ट करना है, और अगर तुमने वैसे नहीं किया, तो प्रपोजल जो है रीजनेबल टाइम में बता देगा तुम्हें, इंसिस्ट कर सकता है कि जैसे मैंने बोला है मुझे तो प्रपोजल वैसे ही एक्सेप्टेड चाहिए, बट अगर वैसे ही एक्सेप्टेड चाहिए, बट अगर वो प्रपोजर नहीं बता देता, फेल्स हो जाता है बताने से, और मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली है। जैसे एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला कि भाई मैं तेरे को कार दे रहा हूँ, और जो मेरे को इसकी एक्सेप्टेंस है ना, तू मेरे को बाय फेस आकर बताएगा, बाय फेस मतलब मेरे सामने आकर ही बताएगा कि तू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। बी ने क्या किया, उसको कर दिया फोन। अब फोन पे उसने बोला जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ बोल रहा है प्रपोजल ने मैनर क्या प्रिस्क्राइब किया था, कि तू मेरे सामने आएगा, ठीक है, विच इज टू बी एक्सेप्टेड, एंड एक्सेप्टेंस तूने वैसे नहीं किया, तूने कर दिया फोन में, फोन पे। प्रपोजर ने क्या बोला, विद इन रीजनेबल टाइम, अगर उसको फोन कर दिया दोबारा, उसको बोला भाई मेरे को बाय फेस ही आकर मिल, मैं तभी एक्सेप्टेंस मानूंगा, तो ठीक है। तो हमने बोला हमारी एक्सेप्टेंस तब तक वैलिड नहीं होगी जब तक वो बाय फेस आकर नहीं बात करता। बट अगर मैंने विद इन रीजनेबल टाइम, ए ने अगर प्रपोजर एक्सेप्टर को नहीं बताया कि भाई कि जो तू मेरे सामने आ मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर उस टाइम पे ये मान लिया जाता है कि अगर जो फोन पे उसने एक्सेप्टेंस दी थी बी ने, वो एक्सेप्टेंस वैलिड है। देखो अब पढ़ते हैं, विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस टू हिम इंसिस्ट करता है कि मैं तेरा प्रपोजल वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा जैसे मैंने बताया था और किसी तरीके से नहीं। बट अगर मैंने उसको नहीं बोला ये चीज, तो ही एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस, इसका मतलब मैंने फोन वाली एक्सेप्ट कर ली। ओके,
अब आ जाओ सेक्शन एट पे। सेक्शन एट बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। देखो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, ये जो टर्म है कुछ कुछ सिमिलर है कहां, जनरल ऑफर से। जनरल ऑफर से मतलब कि एक पर्सन ऑफर दे रहा है, कोई भी उसको पूरा कर सकता है, कैसे, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करके, वो मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस उसकी तरफ से। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल या एक्सेप्ट करना कोई भी कंसिडरेशन, जो हमारे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, अगर मैंने उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो हम क्या मान लेते हैं कि हमने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आओ सेक्शन 9 पे, एक्सप्रेस और इंप्लाइड प्रॉमिस। जो वर्ड्स में हमने प्रॉमिस किया वो एक्सप्रेस है, अदर देन वर्ड्स में क्या वो इंप्लाइड है, इजी। अब आओ सेक्शन 10 पे, सेक्शन 10 क्या बोलता है। देखो ये हमारी सिर्फ रिवीजन वीडियो है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ओके, डिटेल्ड वीडियो आएंगी इन अलग अलग सेक्शंस पे। अब आ जाओ सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 का एक, अभी जो मैंने ऊपर भी रूल बताया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन मिल जाए वो हो जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में अगर हम एनफोर्सिबिलिटी कर दे उसके साथ तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी की जो कंडीशन बता रखे है, हमें बता रखे है सेक्शन 10 में कि कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं। देखो वो सारे एग्रीमेंट जिसमें फ्री कंसेंट है पार्टीज की, कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है, एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कहाँ है, जैसे सेक्शन 26 से 30 में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड गिवन है। अब आ जाते हैं हम इन्हीं के अलग अलग जो कंडीशंस है पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आता है सेक्शन 11, कौन पर्सन हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हमने बोल दिया हर पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट होता है, जो मेजर है, साउंड माइंड है, जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। मतलब सपोज अगर टीपीए है कि वो बंदा जो है टीपीए में डिस्क्वालिफाइड है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पे बोला है सारे वैसे तो कॉम्पिटेंट है जो साउंड माइंड के हैं, जो मेजर है और जो नॉट डिस्क्वालिफाइड है बाय एनी लॉ। ओके, अब मैंने बोला साउंड माइंड क्या है। साउंड माइंड मतलब वो पर्सन जो कैपेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए सिचुएशन को, और जो रेशनल जजमेंट दे सकता है, मतलब अपना डिसीजन ले सकता है, रीजनिंग से दे सकता है अपना कोई भी फैसला, तो वो माना जाता है साउंड माइंड का पर्सन। ओके, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली ऑफ अनसाउंड बट ओकेजनली साउंड माइंड, ये पूरा पीरियड जो है वो अनसाउंड माइंड था, दो बार जो है ओकेजनली वो साउंड माइंड का हो गया, मे का कॉन्ट्रैक्ट जब वो साउंड माइंड का, इन दोनों समय पे वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसी पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अब क्या है ये पूरे लंबे समय में ये क्या है साउंड माइंड, बट ओकेजनली अनसाउंड, इसमें से एक समय में क्या है वो अनसाउंड माइंड का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस टाइम पे जब वो अनसाउंड माइंड का है। ओके, अब आ जाओ कंसेंट, जो हमारे सेक्शन 10 में दे रखा है। क्या सेक्शन 10 में कंसेंट गिवन है कि फ्री कंसेंट। हमारे सेक्शन 10 में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी होता है, फ्री कंसेंट। बट फ्री कंसेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंसेंट क्या है। कंसेंट जब दो या दो से ज्यादा पर्संस, कंसेंट कब माना जाता है, जब वो एग्री करते हैं सेम थिंग पे। मैंने क्या बोला, कंसेंट कब माना जाता है, जब वो एग्री करते हैं सेम थिंग पे, सेम सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया मैं तेरे को वॉच दूंगा, बी ने बोला ठीक है भाई मेरे को वॉच दे दे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसने सोचा गोल्ड वॉच, इसने भी सोचा गोल्ड वॉच, तो क्या यहाँ कंसेंट है। आंसर इज यस, क्यों, दोनों अग्री करे हैं सेम थिंग पे और सेम ही सेंस में, गोल्ड वाली ही। बट अगर ये गोल्ड की जगह सोचता सिल्वर, क्या यहाँ कंसेंट है, आंसर इज नो, तो यहाँ कोई भी एग्रीमेंट नहीं माना जाता। ओके, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या मैक्सिम है, कंसेंसस एड इडम। ओके, अब आ जाओ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है, कंसेंट फ्री कब होगी ये हमें पता है। अब फ्री कंसेंट मतलब देखो, कंसेंट हमने समझ लिया फ्री कंसेंट में कि मैंने सामने वाली पार्टी के ऊपर, जो एक्सेप्टर है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, मैंने उसको डराया धमकाया नहीं, मैंने क्या है फ्रॉड नहीं किया उसके साथ, कोई मैंने गलत चीज नहीं बताई उसको, ये चीज हो जाता है फ्री कंसेंट पे। तो जब कोएर्जन नहीं होता, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, तब हम कहते हैं वो फ्री कंसेंट है। ओके, इसकी याद करने की ट्रिक हम जानते हैं, कैन यू फॉरगिव माय मिस्टेक। मैंने क्या बोला, कैन यू फॉरगिव माय मिस्टेक, मिस्टेक तो पूरा आ गया। ओके, ये है इसकी याद करने की ट्रिक लाइन वाइज। अब आ जाओ कोएर्जन। कोएर्जन क्या होता है,
कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। अब न्यू लॉज के हिसाब से अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, तो मैं किसी को भी क्या कर रही हूँ, थ्रेटन कर रही हूँ कोई एक्ट करने के लिए जो कि पनिशेबल है हमारे नए लॉज के अकॉर्डिंग, जो कि पनिशेबल है, या मैं किसी को भी डरा रही हूँ कि मैं तेरी प्रॉपर्टी रख लूंगी जिससे कि तेरे को नुकसान होएगा, और मैं उस पर्सन को कैसे क्या कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ एक तरह से कि मेरे साथ एग्रीमेंट में आ। अब ये जब वो एग्रीमेंट में आएगा, ऐसे एग्रीमेंट जो है वॉइडेबल माने जाते हैं सेक्शन 19 के अंदर, 19A में भी है, 19A में सिर्फ अंडू इन्फ्लुएंस है। ओके, तो हमने बोला वो एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट माने जाते हैं, और वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होता है, जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, जिसको डोमिनेट किया जा रहा है उसके ऑप्शन पर हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 16। सेक्शन 16, इसमें मैं नोट्स भी दिखाऊंगी अभी, छोटी सी टेबल, पहले हम इसमें से पढ़ते हैं। कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे रिलेशंस पार्टीज के बीच में ऐसे हैं कि एक बंदा तो ऐसी पोजीशन में है जो डोमिनेट करता है दूसरे की इच्छाओं को, दूसरे की मर्जी को, और यूज करता है अपनी पोजीशन ताकि उसका गलत फायदा उठा सके, अनफेयर एडवांटेज ले सके, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडाइज पर्सन इज डीम्ड टू बी पोजीशन टू डोमिनेट। अब हमने बोला यहाँ पे जो है कोर्ट स्पेशल प्रिजम्पशंस करता है, सब सेक्शन 2 में कोर्ट क्या करता है, स्पेशल प्रिजम्पशंस करता है कि इन सिचुएशंस में तो गारंटी है कि हाँ डोमिनेट बंदा हुआ ही हुआ है। कौन सी सिचुएशन मानता है कोर्ट, जहां पे पर्सन होल्ड करता है, पार्टीज होल्ड करते हैं रियल या अपेरेंट अथॉरिटी, जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशन है पार्टीज के बीच में, या जहां पे तुम एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हो जिसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट रहती है, चाहे टेम्परेरीली चाहे परमानेंटली, क्यों, एज की वजह से, इलनेस की वजह से, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से। हम देखते हैं जो मैं टेबल बता रही हूँ। थर्ड कह रहे हैं वेयर अ पर्सन जो पोजीशन में है डोमिनेट करने के लिए दूसरे की विल एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट पे वो, और हमें ट्रांजेक्शन उसके फेस पर दिख रही है, मतलब कोई भी कॉमन मैन पढ़कर बता देगा, देखकर बता देगा, या एविडेंस देने पे पता लग रही है वो अनकंसाइनेबल है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि भाई कोई भी ऐसा अंड इन्फ्लुएंस मैंने नहीं एक्सरसाइज किया है, किसके ऊपर होगा, उस पर्सन के ऊपर जो डोमिनेट करता है विल को। इट मींस सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में, मतलब कि इसमें और इसमें, यहाँ पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, बट थर्ड वाले में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो बंदा डोमिनेट कर रहा है उसके ऊपर, कि जो ट्रांजेक्शन है वो अनकंसाइनेबल नहीं है। इसको हम इलस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे, बट उससे पहले हम अपनी टेबल देखते हैं। ओके, तो देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस में सटल स्पीशी माना जाता है फ्रॉड का, मतलब कि एक तरह से फ्रॉड का स्पीशी ही माना गया है। अब 16(1) में मीनिंग दे रखा है, 16(2) में मैंने अभी बताया था स्पेशल प्रिजम्पशन कोर्ट के द्वारा, और 16(3) में ट्रांजेक्शन अनकंसाइनेबल की बात करता है, जो इसको हम इलस्ट्रेशन वाले एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। तो अब हम ये दोनों देखते हैं पॉइंट। फर्स्ट में मैंने बोला कि पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए, उनमें से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो डोमिनेंट पोजीशन में हो, अपनी पोजीशन उसने यूज करी हो ताकि वो अनफेयर एडवांटेज ले सके सामने वाले का। ओके, अब मैंने बोला स्पेशल प्रिजम्पशन किस चीज में, कि जहां पे कोर्ट मानती है कि यहाँ पे पक्का डोमिनेट ए ने किया ही होगा बी को। रीजन क्यों, क्योंकि वहां पे रियल अथॉरिटी है, अपेरेंट है, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में। अब जैसे कि मैंने इसमें लिखा है रियल अथॉरिटी, हमें अथॉरिटी क्लियरली दिख रही है, जैसे प्रिंसिपल और एजेंट हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो गया, पुलिस और एक्यूज्ड हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसी हो गया, इनमें हमें दिख रहा है। तो कल को अगर प्रिंसिपल और एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, हमें दिख रहा है वहां अंड इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि वहां कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि हो सकता है प्रिंसिपल ने अंड इन्फ्लुएंस यूज किया हो अपने एजेंट के ऊपर। ओके, सिमिलरली अपेरेंट अथॉरिटी, मैंने क्या लिखा यहाँ, नॉट एग्जैक्टली एन अथॉरिटी बट सीम्स टू बी अथॉरिटी, तो क्या है एग्जैक्टली अथॉरिटी नहीं है बट दिख रहा है कि उसकी अथॉरिटी उस पर्सन के ऊपर हावी हो रही है, जैसे कि फादर चाइल्ड या गार्जियन वार्ड। अगर फादर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है अपने बच्चे के साथ और हमें दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि फादर ने क्या है
डोमिनेट किया होगा चाइल्ड को. ओके, सिमिलरली फिड्यूशियरी रिलेशन में जहां पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर स्टूडेंट हो गए, लॉयर क्लाइंट हो गया, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कोर्ट को दिख रहा है कि शायद अंडू इन्फ्लुएंस है, तो कोर्ट प्रेज्यूम करके चलता है कि हो सकता है हस्बैंड ही डोमिनेट कर रहा हो वाइफ को. ओके, ये आ जाता है फिड्यूशियरी रिलेशन में, या वाइफ डोमिनेट कर रही है हस्बैंड को. ओके, तो लास्ट इसमें जो बी क्लॉज है वो क्या बोल रहा है, मेंटल कैपेसिटी. मैंने अभी बताया मेंटल कैपेसिटी अगर टेम्परेरी अफेक्टेड है या परमानेंट अफेक्टेड है, क्यों, उस बंदे की एज की वजह से, इलनेस की वजह से, तो कोर्ट प्रज्यूम कर कर चलता है कि हाँ एक बंदा जो है दूसरे को डोमिनेट कर रहा है. इन केसेस में कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि अंडर इन्फ्लुएंस हुआ होगा. यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होएगा जिसकी कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है, क्योंकि वही क्या करता है, इनको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाता है अंडर सेक्शन 19A, क्योंकि अंडर इन्फ्लुएंस की बात हो रही है. ओके, अब हम देखते हैं ट्रांजेक्शन अनकंसाइनेबल दोबारा कहां से, बेयर एक्ट से. ओके, तो अब हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं सेक्शन 16 का. जैसे कि लास्ट वाला देखो, हमने बोला ए अप्लाई करता है बैंकर के पास फॉर अ लोन एट अ टाइम जब क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंसी है इन द मनी मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा तंगी है. ओके, द बैंकर डिक्लाइन कर देता है, मैं लोन नहीं दे सकता, अनयूजुअली हाई रेट पर दे दूंगा तो अलग बात है. ए लोन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंसी है, तो उस टाइम पे जो बैंकर है वो डिक्लाइन कर देता है, वो कहता है मैं दे दूंगा पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लूंगा. अब वो मान जाता है, ए कहता है ठीक है मैं लेने को तैयार हूँ. ये ट्रांजेक्शन जो है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन मानी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस नहीं है. ओके, अब ऐसे ही इलस्ट्रेशन सी देखो. A being in debt to B, the money lender of his village, contract करता है कि मेरे को fresh loan दे दो जो दिख रहा है सामने से कि unconsignable है. तो यहाँ पे अब मैंने बोला कि यहाँ पे dominating position में कौन है, वैसे तो money lender है, तो यहाँ पे B के ऊपर होएगा ये बताना कि भाई मैंने कोई undue influence नहीं किया. It means अगर मानो मैं 10,000 रुपए मांग रही हूँ वो बंदा, या suppose ऐसे करो कि 1,00,000 रुपए की बाइक है, 1,00,000 रुपए की बाइक है, जहां पे स्टूडेंट टीचर को बोल रहा है प्लीज सर मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज आप इसको जो है 10,000 में ले लो मेरी बाइक. अब ये ट्रांजेक्शन कोई भी देखेगा कि यार 1,00,000 रुपए की बाइक है और टीचर ने सिर्फ 10,000 में खरीद दी है, तो किसका डाउट आएगा, टीचर पे, किस बारे में, कि पक्का टीचर ने ना स्टूडेंट पे ना अंडर इन्फ्लुएंस किया होगा. ओके, यहाँ पे क्या ड्यूटी बनती है, टीचर की ड्यूटी बनती है जो पोजीशन में है डोमिनेट करने की, उसकी ड्यूटी बनती है, टीचर बताएगा कि भाई उस बेचारे की मजबूरी थी, उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, इस वजह से वो 10,000 में भी सेल करने को रेडी था. तो ये हो जाता है ट्रांजेक्शन अनकंसाइनेबल जो दे रखा है यहाँ 16(3) में. ओके, अब आ जाओ सेक्शन 17 पे. सेक्शन 17 फ्रॉड. फ्रॉड मतलब इंक्लूड करता है ये जो 5 एक्ट हमें नीचे दे रखे हैं. पहला सजेशन एज अ फैक्ट जो कि सही नहीं है बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिम सजेशियो फॉल्सी, मतलब स्टेटमेंट ऑफ फॉल्सहुड. मैंने तेरे को ऐसी चीज बोली जो मुझे भी पता है कि गलत है. मैंने बोला ये जो पेन है, हाँ भाई ये पेन जो है पार्कर का पेन है, ठीक है, जबकि मेरे को पता है ये पेन कौन सा है, सेलो का है, तो ये क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा अगर मैं इस बेस पे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में आती हूँ तो. सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट. यहाँ पे मैक्सिम है सप्रेशियो वेरी, मतलब मैं यहाँ पे सच को छुपा रही हूँ, एक्टिवली कंसील कर रही हूँ और मुझे उस चीज की सच्चाई के बारे में पता है, तो मान लिया जाएगा मैं फ्रॉड कमिट कर रही हूँ. प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन, मैंने प्रॉमिस कर लिया मैं तेरे से शादी करूंगी, मैंने तो फिर उसको फुलफिल ही नहीं किया, मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं है फुलफिल करने की, तो मैंने फ्रॉड कमिट किया. एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी एक्ट हो जो भी मेरी इंटेंशन है डिसीव करने की, धोखा देने की. एनी सच एक्ट या ओमिशन एज अ लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, जहाँ पे लॉ ने स्पेसिफिकली बता दिया है क्या कि ये एक्ट जो है हमारा फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा. ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है. कह रहे हैं मेयर साइलेंस एज टू द फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड. कह रहे हैं मेयर साइलेंस, अगर तुम चुप हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है. अगर मैंने बोला तुम साइलेंट हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम फ्रॉड कर रहे हो. नहीं,
unless the circumstances are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, या unless his silence is equivalent to speak. मैंने बोला भाई तेरी ड्यूटी थी कि तेरे को बोलना है, बट तू उस टाइम भी क्या रहा, साइलेंट रहा. जहां पे तेरी ड्यूटी थी पर तू क्या है, साइलेंट रहा. हम क्या मानेंगे उस चीज को कि तूने जो है फ्रॉड कमिट किया है. और दूसरा, जहां पे मैंने तेरे को कहा था कि साइलेंस जो है अगर तू नहीं बोला तो वो तेरी स्पीच के बराबर ही माना जाएगा. मैंने बोला बता भाई इसका अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं यस समझ लूंगा. अब सामने वाले ने इसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने उसकी साइलेंस को क्या मान लिया, यस मान लिया. ओके, तो ये है एक्सप्लेनेशन. अब आ जाओ सेक्शन 18 पे. सेक्शन 18 किस चीज के बारे में बात करते हैं हम, वो देखते हैं, जो कि बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इनोसेंट फ्रॉड. क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन? पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट. क्या कह रहे हैं कि मेरे को नॉट वारंटेड, मतलब मैं भी एज्यूम कर रही थी कि मैं सच बता रही हूँ, ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो कि सच नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं सच बता रही हूँ. मेरे को लगा कि ये पार्कर का पेन है, बट बाद में मेरे को पता लगा कि मेरे को तो ये गलत खबर थी, वो तो पेंसिलो का था, मुझे तो नहीं पता था. इस वजह से इसको नाम दिया है इनोसेंट फ्रॉड. ओके, फ्रॉड से ये वाला पॉइंट अलग कैसे है? फ्रॉड में तो उसको पता था कि वो गलत ही बता रहा है, बट मुझे यहाँ नहीं पता था, मुझे लगा कि यही पार्कर होता है. ओके, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एंड एडवांटेज. कोई ड्यूटी थी मेरी, ड्यूटी इन द सेंस कि सपोज मेरी ड्यूटी थी मेरे को क्या है, इस बंदे को, बी बंदे को अपनी कंपनी सेट करनी थी. ओके, अब क्या हुआ, विदाउट एन इंटेंट, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको धोखा दूं. इन द सेंस कि मेरी कंपनी से जब मुझे सेल आउट करनी थी उस टाइम पे 5 से 6 एम्प्लॉइज छोड़कर चले गए. अब मेरी ड्यूटी बनती थी, मान लिया कि हाँ बी को बताना कि जो मेरे बहुत होनहार स्किल्ड एम्प्लॉइज है ना वो चले गए, बट मैंने नहीं बताया. बट मेरी इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे धोखा देने की. और गेन्स एंड एडवांटेज टू द पर्सन और एनीवन क्लेमिंग बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडाइज और टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम. मैंने क्या बोला, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तेरे को धोखा दूं, बी को धोखा दूं, बट मैंने उस चीज पे एडवांटेज ले ली. एडवांटेज कैसे ले ली, मेरे 5-6 एम्प्लॉइज गए, चाहे जो आप कंपनी छोड़कर चले गए हों, मैंने फिर भी क्या है ये चीज बी को नहीं बताई और मैंने बी को क्या कर दी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी सेल आउट कर दी, उसको मिसलीड किया. तो ये माना जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन. ये फ्रॉड की कैटेगरी में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला ये मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको डिसीव करूं. ओके, अब आओ सबसेक्शन 3 पे. अपने साथ पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए इनोसेंटली बोलता है टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग, जो सब्जेक्ट है एग्रीमेंट का. जैसे कि इसका एग्जांपल, ए को सपोज व्हाइट हॉर्स चाहिए. क्या चाहिए, ए को व्हाइट हॉर्स चाहिए. बी के पास क्या थे, बी के पास 8 ब्लैक हॉर्स थे और 2 व्हाइट हॉर्स थे. ये बी को लगा कि उसके पास इतने हॉर्स हैं और इस बिहाफ में वो एंटर हो गया कॉन्ट्रैक्ट में ए के साथ. बट एक्चुअल में क्या था, बी के पास सारे के सारे जो थे ब्लैक हॉर्सेस ही थे. तो ये जो है मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है सब्सटेंस किसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट के रिगार्डिंग. अब आ जाओ सेक्शन 19. सेक्शन 19 में और 19A में मैंने अभी बताया कि वॉइडेबल होता है एग्रीमेंट किसके ऑप्शन पे, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती उसके ऑप्शन पे. 19 और 19A में डिफरेंस क्या है, 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, 19 में बात करता है कोएर्सन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की, कि एग्रीमेंट वॉइडेबल होएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट नहीं थी फ्री. ओके, अब इस पे आ जाओ. अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन वो इंसिस्ट कर सकता है. इसका मतलब कि 19 और 19A में जो डिफरेंस है, यहाँ पे तो कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा यहाँ पे. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा 19A में. 19 में क्या है, पार्टी या तो लेट इट गो कर देगी कि कोई नहीं जैसे चल रहा है चलने दो, या कंटिन्यू ही रखेगी. लेट इट गो मतलब कि हाँ अवॉइडेबल था भाई, अब हम नहीं कर सकते उस चीज को परफॉर्म, या चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, या उसको रिसाइन कर देगी, खत्म कर देगी पूरे का पूरा, या पार्टी को इंसिस्ट करेगी परफॉर्म करने के लिए. यहाँ पे क्या करेगी पार्टी, या तो लेट इट गो, रिसाइन, कोर्ट यहाँ पे सेट असाइड कर सकता है. तो पार्शली भी सेट असाइड कर सकता है, मतलब जितना कोर्ट को लगता है कि सही है पार्टीज के बीच में, या एब्सोल्युटली भी कोर्ट क्या है सेट असाइड कर सकता
है। अब 19 में एक एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सेप्शन में बोला है, अगर कंसेंट जो है मिस रिप्रेजेंटेशन से करी है या साइलेंस से फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अगर पार्टी जिसकी कंसेंट करी थी उसके पास रीजनेबल मीन्स थे कि वो सच को जान सकता था, तो मतलब पैसिव कंसीलमेंट की बात कर रहा है कि वहां पे बायर को बी अवेयर होना पड़ेगा। इसका मतलब कि जहां पे बायर थोड़ी सी छानबीन करके ट्रुथ का पता कर सकता था, सच का पता लगा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो वो जो है एग्रीमेंट जो है वॉइडेबल नहीं कर सकता। क्यों? बायर बी अवेयर वाला कंसेप्ट आ जाता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा है। फिर आ जाए एक्सप्लेनेशन, कह रहे हैं अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन which did not cause the consent of the party on whom such fraud was practiced या जिसपे misrepresentation हुआ था does not render a contract voidable। इसका मतलब कि अगर consent तुम्हारी fraud की वजह से तो थी ही नहीं तो वो contract तो वैसे भी valid होएगा। It means कि अगर तुमने pen मांगा Parker, मैंने तुम्हें दे दिया cello, but तुम्हें क्या है cello की क्या quality पसंद आ गई जो उसकी build quality होती है। तुमने ये चीज बोली कि हाँ मेरे को तो इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आ गई, चाहे जो उनसा पहनो मैं तो यही लेकर जा रहा हूँ, तो कल को तुम इस चीज को वॉइडेबल नहीं कर सकते क्योंकि तुमने कंसेंट फ्रॉड की वजह से नहीं दी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ये था सेक्शन 19 में। सिमिलरली सेक्शन 19 ए में बता दिया सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है। सेक्शन 20, 21 और 22 प्रॉपर मिस्टेक के ऊपर है, जिसमें क्या बताइए हम इसको टेबल से भी पढ़ेंगे, अभी बेयर एक्ट से देखते हैं। 20 में एग्रीमेंट वॉइड कब होगा, जब दोनों पार्टीज क्या है मिस्टेक में है मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग, जो जरूरी था जो सब्जेक्ट मैटर होता है एग्रीमेंट का उसके रिगार्डिंग। तो हमारा एग्रीमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है दोनों कॉमन, मतलब जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक थी दोनों की तरफ से, बायलेटरल दोनों पार्टीज की तरफ से वो मिस्टेक थी। बट एक्सप्लेनेशन कह रही है अगर सिर्फ कोई एरोनियस ओपिनियन था कि हाँ तू ये सोच रहा था मैं ये सोच रही थी, एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग जो सब्जेक्ट मैटर था वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिर्फ एक ओपिनियन था, हमारा आइडिया था, सुझाव था सिर्फ, वो क्या है हमारा एग्रीमेंट नहीं था। ओके 21 एज टू लॉ, लॉ हमें पता है लॉ जो है एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे को तो लॉ जो है नहीं पता था, हम ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं होगा कि वो मिस्टेक की वजह से आया। कौन सी मिस्टेक? जो लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक थी इंडिया में। बट हाँ अगर फॉरेन की मिस्टेक है तो जैसे अभी हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ के 20 में वही रूल इस पे अप्लाई होंगे। सिमिलरली सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, अगर एक ही पार्टी सिर्फ मिस्टेक कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वैलिड ही माना जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही पार्टी की गलती थी, दोनों पार्टीज की गलती नहीं थी। वन ऑफ द पार्टीज अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब 23 पे जाने से पहले हम 20, 21 और 22 को नोट से एक बार देख लेते हैं क्या है। देखो सेक्शन 20 से 22 मिस्टेक। अब हमने बोला यहाँ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, और हमें पता है मिस्टेक वर्ड एक और जगह यूज किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो कहाँ है? सेक्शन 72 में, जहां पे हम पढ़ेंगे क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम उसमें देखेंगे। ओके अब मैंने बोला जब आ जाता है सेक्शन किसके बारे में, फैक्ट के बारे में, तो सेक्शन आ जाता है 20 और 22, और 21 सेक्शन आ जाता है लॉ के रिगार्डिंग। अब मिस्टेक एज टू फैक्ट, एक होती है बायलेटरल मिस्टेक, एक होती है यूनिलेटरल। अगर सिर्फ एक ही पार्टी मिस्टेक कर रही है जो कि 22 में है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो मिस्टेक एक ही पार्टी के द्वारा है। अगर दोनों बोथ पार्टीज ही मिस्टेक पे होती तो क्या होगा, तो उसमें देख लेते हैं क्या वो म्यूचुअल मिस्टेक पे है या कॉमन। सेक्शन 20 बात करता है कॉमन मिस्टेक कर रही है दोनों ही पार्टी। हम इसको किसके साथ पढ़ सकते हैं, जो सेक्शन 7 है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, जहां पे क्या है अगर कॉमन मिस्टेक पे है तो हमारी कंसेंट जो है नलिफाई हो जाती है। नलिफाई मतलब उस कंसेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रहती। इन द सेंस यहाँ पे कैसे माना जाएगा, जैसे कि कॉमन मिस्टेक कैसे, ए को और बी को लगा कि उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, वाइट हॉर्सेस के लिए, बट उस टाइम पे वो हॉर्स तो था ही नहीं जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। तो यहाँ पे दोनों ही मिस्टेक पे थे,
यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। दोनों ही अनअवेयर थे कि सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वही एग्जांपल, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर हॉर्स बट इट वाज डेड, एंड दोनों इस चीज के लिए अनअवेयर थे। चाहे अवेयर हो अनअवेयर हो, वो एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। क्यों? दोनों ही मिस्टेक पर थे। बट म्यूचुअल में क्या होता है कि यहाँ पे बायलेटरल दोनों ने गलती तो करी, बट इन्होंने क्या है, समझने में गलती कर दी उस एग्रीमेंट को, जहां पे कंसेंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो वहां पे हम मानते हैं कोई भी कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला मैं तेरे को वॉच दूंगा, किसको बोला, बी को। ए को लगा कि गोल्ड वॉच देगा, बी को लगा सिल्वर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसेंसस एड इडम नहीं हुआ। मतलब पार्टीज सेम है बट वो सेम थिंग को तो सोच रहे थे बट सेम सेंस में नहीं सोच रहे थे। ये गोल्ड सोच रहा था और ये सिल्वर, तो यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होता है। ए को अपनी घड़ी बेचनी थी जो सिल्वर थी और बी को लगा गोल्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा बायलेटरल। बट हमारा सेक्शन 20 बात करता है कॉमन मिस्टेक के बारे में। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 में लॉ की बात करिए। अगर इंडियन लॉ है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को तो इस लॉ के बारे में जो है इस लॉ के बारे में जो है मेरे को पता ही नहीं था। मैं ऐसे नहीं कह सकती। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में मैं एंटर करती हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना जाएगा। अगर वो फॉरन का लॉ है तो जैसे फैक्ट, मतलब कि सेक्शन 20 वाले रूल्स लगते थे और 22 वाले रूल्स लगते थे, वही फॉरेन लॉ के केस में भी लग जाएंगे। ओके, अब सेक्शन 20 में एक चीज और ये क्या बताई है, हमने बोला जो कॉमन बायलेटरल मिस्टेक है सेक्शन 20 में, हमने बोला किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही होना चाहिए। प्लस मैंने बोला मिस्टेक ऐसी होनी चाहिए जो एसेंशियल है उस एग्रीमेंट के लिए, मतलब जो मेन एसेंशियल माना जाना चाहिए, वही उसके बारे में ही तुम क्या है मिस्टेक कर रहे हो। कौन कर रही है, दोनों ही पार्टीज कर रही हैं। अगर एक पार्टी करेगी तो क्या होगा, वो चला जाएगा सेक्शन 22 में और वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब यहाँ पे मिस्टेक मैंने बोला एसेंशियल होना चाहिए, मतलब एक सिर्फ एरोनियस ओपिनियन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से देखते हैं जो यहाँ है। ए और बी एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि हम एक घर कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम उसको 50 करोड़ में बेच देंगे, बट एक्चुअल में मार्केट वैल्यू उसकी 5 करोड़ थी। तो ये एरोनियस ओपिनियन था ना कि मिस्टेक। इसका मतलब देखो, सपोज ए और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट में आए कि भाई ऐसा करते हैं हम दोनों ना एक घर बनाते हैं, हम ना इसको 50 करोड़ में बेच देंगे। अब इन्होंने घर तो बनाया बट ये घर गया सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ में। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। क्यों? इन्होंने सिर्फ अपना अपना ओपिनियन लगाया था जो कि क्या निकला, एरोनियस निकला, कि उन्होंने अपना अपना अंदाजा लगाया था कि हम इसको 50 करोड़ में बेच देंगे। तो ये जो है मिस्टेक नहीं मानी जाती, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड ही माना जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे फर्दर सेक्शन 23 ऑनवर्ड्स। ओके, अब सेक्शन 23 क्या कह रहा है, कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल है और कौन से नहीं। कह रहा है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट लॉफुल होंगे अनलेस, मतलब कि वैसे सारे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होते हैं बट क्या है वो फॉरबिडन बाय लॉ है अगर, या ऐसे नेचर का है कि अगर हमने उसको अलाउ कर दिया ना वो प्रोविजंस ऑफ किसी भी लॉ के डिफीट कर देगा। ठीक है, उनको मतलब अफेक्ट करेगा लॉ के प्रोविजंस को अगर हमने उसको अलाउ कर दिया तो। फ्रॉडुलेंट इन नेचर है या इन्वॉल्व करता है इंजरी, किसी को भी हो सकता है, पर्सन को भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, या कोर्ट को लगता है वो इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो सिर्फ वो वाले जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे, वरना अदरवाइज सारे एग्रीमेंट जो है लॉफुल ही माने जाते हैं। इन्होंने बोला इन ईच ऑफ दीज केसेस कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। एवरी एग्रीमेंट जो अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट रखता है वो एग्रीमेंट कैसे हो जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन ई पे। इलस्ट्रेशन ई इजी है, जो क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी सी एंटर करते हैं एग्रीमेंट में कि हम जितने भी हमारे पास गेन एक्वायर हुए हैं हम उनको आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये तो वैसे वैलिड है बट ये वैलिड क्यों नहीं है, इसमें फ्रॉड क्या है कि जो मेरे को गेन मिले हैं कहां से हमने गेन करा था, वो फ्रॉड करके जो भी ए बी और सी को पैसा मिला है हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। आ जाओ एफ पे। ए प्रॉमिस करता है टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस। ए प्रॉमिस करता है बी को मैं तेरे लिए जो हूँ जॉब ढूंढ दूंगा पब्लिक सर्विस में। ठीक है, मैं तेरे लिए क्या ढूंढ दूंगा, जॉब ढूंढ दूंगा पब्लिक सर्विस में। बी प्रॉमिस करता है ठीक है मैं आपको इसके बदले में 1,000 रुपए दे दूंगा। अरे ये एग्रीमेंट तो वॉइड होगा, क्यों होगा, कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है इस वजह से। ओके,
सेक्शन 24, एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल है इन पार्ट। इसका मतलब अगर कोई भी पार्ट एक सिंगल कंसिडरेशन का, तो मतलब कि अगर सिंगल कंसिडरेशन है और क्या है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है, या फिर मैंने बोला ऑब्जेक्ट्स कई सारे हैं बट कंसिडरेशन कैसा है, सिंगल है, अगर इसमें से कोई भी चीज अनलॉफुल हो जाती है तो वो हमारा पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड में आएगा। रीजन क्यों? क्योंकि सेक्शन 24 प्रीसपोज करता है, क्या प्रीसपोज करता है, कि जो हमारा एग्रीमेंट है वो सेपरेट नहीं हो सकता, वो सेपरेट नहीं हो सकता, वो प्रीसपोज करता है, ठीक है, कोर्ट प्रिज्यूम करता है पहले से ही कि वो सेपरेट नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी सिंगल कंसिडरेशन कई सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए या वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो अनलॉफुल है, एग्रीमेंट हमारा पूरा ही वॉइड होगा। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 25 पे। 25 का मैं अभी नोट से भी बताऊंगी एग्जाम्पल के समेत, बट अभी हम इसको सेक्शन को यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला एन एग्रीमेंट, जो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। हम ये चीज कहां पढ़ के आए थे, सेक्शन 10 में हम पढ़कर आए थे। ओके, अब पहला मैंने बोला इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, रजिस्टर्ड होना चाहिए और नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए होना चाहिए पार्टीज के बीच में, जो स्टैंड करते हैं एक साथ, नियर रिलेशन टू ईच अदर में रहते हैं, अगर वो कोई भी एग्रीमेंट आता है उनके बीच में कंसिडरेशन के विदाउट भी, तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। इट इज अ प्रोमिस टू कंपनसेट होली या पार्ट अ पर्सन, जिसने वॉलंटरली ऑलरेडी वो कुछ कर चुका है, किसके लिए कर चुका है, प्रोमिसर के लिए कर चुका है, या जो प्रोमिसर ने उसको लीगली कंपेल किया था। ओके, अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। लास्टली इट इज अ प्रोमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज, ये प्रोमिस है जो राइटिंग में हुआ है, साइन किया है उस पर्सन को जिसको पैसा देना था, या उसके एजेंट ने किया है वो साइन कि वो पूरा पैसा दे देगा या पार्ट में दे देगा, क्रेडिटर को, क्रेडिटर एनफोर्स नहीं करवा पाया क्योंकि लिमिटेशन ऑफ सूट एक्सपायर हो गया था। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। अभी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों सबसेक्शंस हैं, ये मैं इसको एग्जांपल से मेरे नोट से ही डायरेक्ट पढ़ाऊंगी तीनों सेक्शंस को। अब क्या है एक्सप्लेनेशन 1, कह रहे नथिंग शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। इसका मतलब अगर हम देखें, जो ये कंसिडरेशन वाला पॉइंट है, ये एक तरह से एक्सेप्शन माना जाता है, किसके केस में, गिफ्ट के केसेस में। एक जगह और कंसिडरेशन एक्सेप्शन माना जाता है, सोचो बताओ कहां। अभी तो एक हमने पढ़ लिया सेक्शन 25 में कि कंसिडरेशन अगर नहीं भी होगा तो वैलिड होगा दो तीन सिचुएशंस में, एक मैंने बता दिया अभी गिफ्ट के केस में जो एक्सप्लेनेशन 1 में है, एक जगह और है जहां कंसिडरेशन हमें जरूरत नहीं पड़ती और हम पढ़ चुके हैं इसको अपनी वीडियोस में। आंसर इज एजेंसी के केस में, याद करो सेक्शन 185 में भी हमने ये चीज पढ़ी है। ओके, आओ एक्सप्लेनेशन 2 पे। कह रहे एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर फ्रीली गिवन is not void, क्योंकि consideration inadequate है, but हाँ inadequacy अगर consideration है, हम उसको क्या कर सकते हैं, consider कर सकते हैं देखने के लिए consent free है कि नहीं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना ये क्या बोल रहे हैं, just wait, थोड़ा सा साफ कर दो। देखो क्या बोल रहा है, agreement to which consent is freely given, A और B जो है एक agreement में आए जिसमें दोनों की फ्री कंसेंट गिवन थी, बट हुआ क्या, यहाँ पे 10,000 की कोई चीज थी, ये लोग जो है एग्रीमेंट में आए उसको बेचने के लिए 1,000 के लिए। अब हमने बोला अगर कंसेंट उनकी फ्रीली गिवन है, वो एग्रीमेंट जो है वॉइड नहीं हो जाता सिर्फ इस बेस पे कि जो उसमें पैसा इन्वॉल्व है वो इनएडिक्वेट है, कि 1,000 रुपए ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट फ्री नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता। अगर कंसेंट फ्री है तो चाहे कंसिडरेशन की कितनी ही अमाउंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगला, बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट। हाँ, जज साहब ये जरूर देख सकते हैं कि 1,000 रुपए है कंसिडरेशन 10,000 की चीज का, तो हो सकता है कंसेंट फ्री ना हो, यहाँ पे जज ये सपोज कर सकता है, तो फिर कंसेंट के ऊपर कोर्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चंस देखने के लिए कंसेंट फ्री है कि नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कंसिडरेशन जो है वो हमारी कितनी भी अमाउंट की हो सकती है।
अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रॉमिस करता है फॉर नो कंसिडरेशन, मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, कि मैं बी को 1000 रुपए दूंगा। ऑब्वियस है ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्यों? ना राइटिंग में है, ना साइन है, ना नेचुरल लव अफेक्शन है, ना कोई टाइम बार्ड के बारे में है, और ना ही हमें किसके बारे में बता रखा है, जो प्रॉमिस था पास वॉलेंट्री सर्विसेज का। देखो इसके की पॉइंट्स क्या है, पहले वाले का जो की पॉइंट है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड वाले का क्या है, पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज, पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज। थर्ड वाले का क्या है, टाइम बार्ड डेट, क्या है, टाइम बार्ड डेट। ये की पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने में आसानी होगी। सेकेंड इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ गया, मतलब इसको पढ़ते ही पता लग रहा है फर्स्ट वाले में आ रहा है, बट हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉमिस करता है अपने बेटे को मैं 1000 रुपए दूंगा। ए अपना प्रॉमिस जो है राइटिंग में करता है, रजिस्टर कर देता है, हाँ ये वैलिड माना जाएगा, क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 1 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। आगे इलस्ट्रेशंस पढ़ लेना, ये भी इजी है, ठीक है। अब हम जो है सेक्शन 25 को हमारे नोट से पढ़ते हैं। तो अभी हमने सेक्शन 25 डायरेक्ट से पढ़ा, अब हम अपने नोट से पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 25 में क्या बोला है, कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, हम पढ़कर आए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें जो मैक्सिम लगती है वो क्या है, नूडम पैक्टम एक्स क्यो नॉन ऑरिटर एक्सो। इसका मतलब अगर कोई एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन, उसमें कोई भी एक्शन अराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बोला वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, तो कोई भी एक्शन तुम उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में नहीं ले सकते हो। बट कुछ उसके एक्सेप्शन है, कि एग्रीमेंट तो है वैलिड होगा कब, चाहे कंसिडरेशन ना हो। अभी एक्सेप्शन कहां गिवन है, 25 में ही गिवन है, चलो देखते हैं। पहला एक्सेप्शन हमने बोला किस बारे में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसका क्या बना लो तुम, कीवर्ड बना लो ये, ताकि याद रह जाए, ओके। फिर कंपनसेट करने के लिए पास वॉलंटरली सर्विसेज और टाइम बार डेप्ट, पहला एक्सेप्शन देखते हैं उसके एसेंशियल्स क्या है। हमने अभी पढ़ा कि एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए, किसके बीच में, जो भी पार्टीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और एग्रीमेंट क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है। तो सपोज अगर हमने क्या है राइटिंग में कोई एग्रीमेंट बना लिया हस्बैंड और वाइफ ने, ठीक है, रजिस्टर भी करवा लिया, बट हमने क्या है डिस्प्यूट्स हो रहे थे उस बेस पे करवाया, और वहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्रीमेंट वॉइड ही होगा। रीजन, क्योंकि वो डिस्प्यूट के बेस पे बना था, बट वही वो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से बना है, तब वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड, चाहे कंसिडरेशन ना हो। और एग्रीमेंट जो है पार्टीज के बीच में जो नियरली रिलेटेड है ईच अदर से, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हस्बैंड वाइफ, ओके। एक्सेप्शन टू, अभी मैंने बोला कंपनसेट करना पास वॉलंटरली सर्विसेज को, तो एक प्रॉमिस होना जरूरी है, प्रॉमिस उस बंदे के साथ जिसने वॉलंटरली कुछ किया हो, ओके। फिर मैंने बोला पर्सन शुड हैव डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, उस बंदे ने प्रोमिसर के लिए कुछ तो किया हो, इट शुड बी पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज, पास्ट में होना चाहिए और अपनी मर्जी से किया हो। प्रोमिस इज टू कंपनसेट होली और पार्टली, जो सामने वाले ने, जो प्रोमिसर ने प्रोमिस किया हो सकता है वो पूरे का पूरा कंपनसेशन देने को रेडी हो या हाफ देने को रेडी हो। और प्रोमिस मस्ट बी टू कंपनसेट एंड नॉट टू रिवॉर्ड, यहाँ पे जो मैंने प्रोमिस किया वो कंपनसेशन देने के लिए, ना कि रिवॉर्ड देने के लिए। इसका एग्जाम्पल मैं यही बताती हूँ, देखो जैसे कि मैंने बोला कि ए जो है जा रहा था, उसको एक वॉलेट मिला, क्या मिला, ए को वॉलेट मिला, किसका वॉलेट था वो, उसने जब देखा उसमें से डिटेलिंग निकाली तो वो पता लगा उसका बी का वॉलेट है। अब क्या हुआ, ए गया बी के पास कि साहब जी मेरे को आपका वॉलेट मिला है, बी हो गया उसको देखकर खुश, बी बोला यार इसमें तो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मेरे बहुत सारा कैश पड़ा था, मेरे कार्ड्स पड़े थे, बी हो गया खुश। बी ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हमने क्या चीजें, देखो यहाँ पे क्या है, ए ने जो काम किया ये पास्ट में हो गया, पास्ट अभी नहीं, पास्ट का हम बाद में बताएंगे कैसे, अभी बताते हैं। देखो अब बी ने क्या बोला ए को, बी ने ए को बोला अरे तूने मेरा वॉलेट ढूंढा, मैं भाई तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, क्या प्रॉमिस करता हूँ, इन फ्यूचर तेरे को अगर मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े, या सपोज कुछ भी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं तेरे को ये चीज देने को रेडी हो जाऊंगा। अब यहाँ पे जो प्रॉमिस हुआ वो क्यों हुआ वो देखते हैं। हमने बोला अभी अभी हमने पढ़ा क्या, कि एक प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है, किसने प्रॉमिस किया, बी ने, कि मैं तेरे को कुछ दूंगा, क्या, आगे देखते हैं। प्रॉमिस मस्ट बी मेड टू अ पर्सन जिसने वॉलंटरली कुछ किया हो, बी ने प्रॉमिस किया ए को जिसने अपनी मर्जी से वॉलेट को ढूंढा, ओके। फिर मैंने बोला पर्सन ने कुछ तो किया हो प्रोमिसर के लिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, इस पर्सन ने कुछ तो किया किसके लिए, प्रोमिसर, क्योंकि अब ये प्रोमिस कर रहा है मैं तेरे को
इसके बदले में कुछ दूंगा। इट शुड बी पास्ट एंड वॉलंटरली सर्विस। तो जब इन फ्यूचर में अपना प्रॉमिस फुलफिल कर रही हूँ, किसके बदले में कर रही हूँ? क्योंकि पास्ट में ए ने कुछ किया जो कि उसने मर्जी से किया, अपनी वॉलंटरली किया। प्रॉमिस है टू कंपनसेट होली या पार्टली। इट मीन्स मैं यहाँ क्या प्रॉमिस कर रही हूँ। सपोज उसका वॉलेट उसने जब ढूंढा, हो सकता है मैं नहीं मिली या पुलिस स्टेशन गया, सब कुछ खर्चा वगैरह मिला के उसको 2000 का खर्चा आ गया। किसको आ गया? ए का खर्चा आ गया। तो बी ने क्या बोला यहाँ पे? मैं कंपनसेट करूंगा होली या पार्टली। बी ने बोला भाई तूने मेरा वॉलेट ढूंढा, मैं तेरे को पूरे के पूरे तेरे 2000 खर्चा दे दूंगा, या मैं तेरे को जो हूँ 1000 का खर्चा दे दूंगा। तो ये प्रॉमिस किया है बी ने। तो यहाँ बी क्या हो गया? हमारा प्रॉमिसर हो चुका है। ओके, अब ये जो प्रॉमिस था वो कंपनसेट करने के लिए हो, ना कि रिवॉर्ड। मतलब तूने पर्स ढूंढा, उसका रिवॉर्ड नहीं दे रहा, मैं तेरे को कंपनसेशन दे रहा हूं जो तूने 2000 का खर्चा मेरे ऊपर किया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, चाहे इसमें हमारा कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज इंक्लूड थी, जो कि वॉलंटरली करी गई थी ए के द्वारा। ओके, अब आ जाओ एक्सेप्शन थ्री पे। क्या कह रहा है एक्सेप्शन थ्री का जो टाइम बार डेप्ट, ये जो है इसका की नोट है टाइम बार डेट। देखते हैं क्या बोल रहा है कि इट मस्ट रेफर टू अ डेट व्हिच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड बट कुड नॉट ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ए ने कुछ पैसे लिए थे बी से, बी हो गया क्रेडिटर, ए हो गया डेटर। अब क्या हुआ, बी को जब पैसे लेने की बारी आई कि ये पैसे नहीं दे रहा मेरे को तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, बी कोर्ट में नहीं जा पाया क्योंकि उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया था। तो इट मस्ट रेफर टू अ डेट जो क्रेडिटर एनफोर्स करवा सकता था बट नहीं करवा पाया क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया। देयर मस्ट बी अ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू पे दैट डेट होली और इन पार्ट। अब हुआ क्या, ए ने जो है कभी पहले प्रॉमिस कर दिया उसको, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद प्रॉमिस कर दिया बी को जो क्रेडिटर था कि साहब जी जो मैंने आपसे 1000 रुपए लिए थे मैं आपको दे दूंगा। तो ये क्या माना गया? टाइम बार डेट। ओके, द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग। बट ये जो प्रॉमिस किसने किया था? ए ने। किसको? बी को। वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग में, और साइन होना चाहिए उस पर्सन के द्वारा, मतलब कि हमारे केस में ए के द्वारा, डेटर के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा। तो चाहे यहाँ पे टाइम बार डेप्ट हो चुका हो, लिमिटेशन एक्सपायर हो गया हो, बट ए ने जैसे प्रॉमिस कर दिया था बी को, यहाँ पे क्या है, बी अब स्यू कर सकता है और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये सिमिलर है किसके? सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। बस वहां पे डिफरेंस क्या है, वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले पहले ए ने बोल दिया था, बट इस केस में ए बोलता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद। ओके, अब मैंने बोला यहाँ पे क्या रेशनल है, रीजन क्या है एक्सेप्शन थ्री का। यहाँ पे रीजन है कि हमें क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारा बी क्रेडिटर था, जो उसने डेटर को पैसे दिए थे 1000 रुपए, वो उसके डूबने नहीं चाहिए क्रेडिटर के, इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है किसका इंटरेस्ट? क्रेडिटर का इंटरेस्ट। ओके, ये था सिर्फ सेक्शन 25। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 26 से। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। याद है जो हमने पहले पढ़ा था क्या, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जहां पे एक्सप्रेस डिक्लेयर नहीं कर रखा। बट सेक्शन 26 से सेक्शन 30 कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे एक्सप्रेस डिक्लेयर कर रखा है कि एग्रीमेंट हमारे कुछ वॉइड गिवन है, तो अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो होएगा वो वॉइड होएगा। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर तुम मैरिज के लिए रोक रहे हो किसी भी पर्सन को अदर देन अ माइनर, वो एग्रीमेंट कैसा होएगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेन कर रहे हो या पार्शियल रिस्ट्रेन भी कर रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट तो क्या हो गया, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, ये अगर एग्रीमेंट आ जाता है तो वो वॉइड होएगा। पार्शियल मतलब एक्स को छोड़कर मैं किसी से भी कर लूंगी, तो ये क्या आ जाता है, पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो दोनों तरह के एग्रीमेंट कैसे एग्रीमेंट होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। आ जाओ सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 में बोला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर हम ट्रेड पे कोई पाबंदी लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अगर मैं किसी के साथ एग्रीमेंट में आ रही हूं, फॉर एग्जांपल ए और बी एग्रीमेंट में आए कि तू जो है यहां पर अपना काम नहीं कर सकता, तो ये एग्रीमेंट कैसे एग्रीमेंट होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, क्या एब्सोल्यूट और पार्शियल एग्रीमेंट पूरा ही वॉइड होएगा? अब हम इसको इसकी लैंग्वेज से समझेंगे ये चीज। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस किसी भी तरह का, इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। तो जितनी तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो उतना ही एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। बट सेक्शन 27 के क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। सेक्शन 27 के मैंने क्या बोला, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे पहले वाला एक्सेप्शन यही दे रखा है, गुडविल। जो हमारी पेयर एक्ट में है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गुडविल के बारे में ही बताया है। सपोज अगर ए ने अपना बिजनेस जो है बी को दे दिया, मतलब कि सब कुछ अपना गुडविल वगैरह सब कुछ बी को दे दिया, तो बी और ए एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि तू चिंता मत कर बी, मैं जो हूं एक साल तक इस नाम के साथ कोई भी काम नहीं करूंगा, क्यों, मैंने अपना तेरे को सारा बिजनेस दे दिया है प्लस गुडविल भी मैंने तेरे को दे दिया है। कौन कह रहा है, ए कह रहा है बी को, ए बोल रहा है बी को मैंने गुडविल भी दे दिया और अपना बिजनेस भी तेरे को दे दिया, अब मैं एक साल तक काम नहीं करूंगा, तो ये जो है रिस्ट्रेंट वैलिड मानी जाएगी। तो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक बंदा जो अपनी गुडविल दे देता है बिजनेस की, वो एग्री कर सकता है बायर के साथ कि मैं टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में सो लॉन्ग, जब तक बायर या कोई भी पर्सन जो डिराइव कर रहा है टाइटल, जब तक वो सेम बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, प्रोवाइडेड वो जो भी लिमिट्स लगाओगे तुम, कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे ए कह देता कि मैं जिंदगी भर काम नहीं करूंगा, बी क्योंकि ए को बोल रहा है तू जिंदगी भर ही काम नहीं करेगा, तो ये रिस्ट्रिक्शंस वॉइड में आ जाएंगी। ओके, ऐसे ही कुछ और एक्सेप्शंस भी होते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के रिगार्डिंग जो हमारे बेयर एक्ट में नहीं है। जैसे कि एक हो जाता है सोलस एग्रीमेंट आ जाता है, या रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉय आ जाता है, रिस्ट्रेंट ऑन एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है, या ट्रेड कॉम्बिनेशन आ जाता है कि हमने क्या किया, ट्रेड कॉम्बिनेशन। अभी इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं, जैसे कि सपोज, जस्ट वेट, देखो एक दो एग्जांपल जो यहाँ पे जो रिस्ट्रेंट हम ट्रेड पे करते हैं वो वैलिड माने जाते हैं। जैसे कि सपोज मैंने क्या है, एक आइसक्रीम डीलर के साथ मैं एक चॉकलेट बनाती हूँ, कोई भी चॉकलेट हो सकती है, मैं कोई चॉकलेट बना रही हूँ जिसके लिए मुझे उसमें आइसक्रीम फ्लेवर भी डालना है। अगर मैंने किसी आइसक्रीम वेंडर के साथ, जो सेलर होता है, वेंडर मतलब सेलर, जो सेलर है, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या एग्रीमेंट कर लिया कि जितनी भी तेरी चॉकलेट वाली आइसक्रीम है वो सारी की सारी तो मुझे देगा, क्योंकि मुझे कुछ नया फ्लेवर अपनी चॉकलेट में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने जो एग्रीमेंट किया कि सिर्फ आइसक्रीम डीलर मेरे साथ ही डील करेगा और किसी को नहीं देगा वो पर्टिकुलर आइसक्रीम, तो ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला रिस्ट्रेंट हम जब एम्प्लॉय पे लगाते हैं, इसका मतलब जब एम्प्लॉयर बोलता है एम्प्लॉय को, जब इसको हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयर कह सकता है कि जब तक तू मेरे बिजनेस में काम करेगा, मेरी कंपनी में काम करेगा, तू किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो ये रिस्ट्रेंट भी वैलिड रिस्ट्रेंट माना जाएगा। बट अगर सपोज एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चला गया, उस बंदे की एम्प्लॉयर की कंपनी छोड़ दी, तो पोस्ट सर्विस जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है वहां पे जो है एम्प्लॉयर अब रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकता। अगर ऐसा किया तो वो वाली चीज वॉइड एग्रीमेंट में मानी जाती है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 28 पे। सेक्शन 28 में क्या बोला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर मैं किसी बंदे को, ए को मैं मना कर रही हूं कि तू प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं जाएगा, वो एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है। एवरी एग्रीमेंट बाय विच किसी भी पार्टी को हम मना कर रहे हैं एब्सोल्यूटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू, या जो लिमिट कर रहा है उस बंदे को कि इस टाइम के अंदर तू अपने राइट्स एनफोर्स नहीं करवा सकता, वो वॉइड हो जाएगा उतने एक्सटेंट तक, या विच एक्सटिंग्विश कर देता है राइट को। यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ पे मैं एक्सटिंग्विश कर रही हूँ, खत्म कर रही हूँ किसी भी पार्टी के राइट्स को, या किसी भी पार्टी को डिस्चार्ज कर रही हूँ किसी की भी लाइबिलिटी से, किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड तक कर रही हूँ, या मैं कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हूँ प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, तो वो जो है उसका वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है क्या पार्शियल रिस्ट्रेंट अलाउड है, आंसर इज यस। कैसे, सपोज मैंने बोला कि ए और बी क्या है एग्रीमेंट में आए,
दो जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो जो है दो जगह अपना केस कर सकते हैं, एक और दो, ये दोनों एरिया में इनकी जुरिस्डिक्शन है। तो ये दोनों एग्रीमेंट में आ सकते हैं कि कल को इन फ्यूचर हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम सिर्फ कोर्ट नंबर 2 के पास ही जाएंगे, 1 के पास नहीं जा रहे। इन्होंने ये चीज अग्री कर ली, तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड ही माने जाते हैं। तो पार्शियल रिस्ट्रेंट अलाउड होता है बट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अलाउड नहीं होता इन केस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ओके, अब इसके भी एक्सेप्शन है क्या? सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट डेट में अराइज। इसका मतलब अगर पार्टीज जो है एग्रीमेंट में आ जाती हैं, ए और बी एग्रीमेंट में आ गई कि हमारे बीच में कोई भी शेल नॉट रेंडर, इलीगल नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री करती हैं, विच मे अराइज बिटवीन देम, कि इन फ्यूचर अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है हम तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं ए और बी, तो ये एग्रीमेंट वैलिड ही माना जाता है। रीजन बीइंग कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारा जितने भी केसेस हैं उनका क्या हो सके, स्पीडी डिस्पोजल हो सके। तो अगर वो आर्बिट्रेशन के लिए आते हैं एग्रीमेंट में तो वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं मानते हैं। सिमिलरली जो फ्यूचर विच हैज ऑलरेडी अराइजन, जो हमारे बीच में डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं, अगर हम उसके लिए भी आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं वैसे एग्रीमेंट भी वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन 3 अलग है, वो क्या कह रहा है? सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सेक्शन इलीगल नहीं रेंडर करेगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो राइटिंग में है, जहां पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी टर्म या कोई भी कंडीशन डाल देती है, और एनी एग्रीमेंट जो प्रोविजन डाल देती है कि तुम्हारे राइट्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगे या पार्टीज को डिस्चार्ज कर देगा किसी भी लायबिलिटी से। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गारंटी एग्रीमेंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि अगर तुमने बैंक वाले बोल रहे हैं कि हम कोई कंडीशन डाल रहे हैं, अगर जो कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तुम्हारे साथ जिसमें हमने कंडीशन डाली है जिसमें तुम्हारे राइट्स और लायबिलिटी डिस्टिंग्विश खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएगी लायबिलिटी, अगर उसका पीरियड स्पेसिफाइड पीरियड दे दिया जब तक तुमने अपने एक साल के अंदर वो राइट एक्सरसाइज नहीं करे तो, विच इज नॉट लेस देन 1 ईयर, तो कम से कम एक साल का पीरियड होना जरूरी है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ अकरिंग या नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट फॉर एक्सटिंग्विशमेंट या डिस्चार्ज ऑफ एनी पार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी। मैंने यही बोला कि अगर वो एग्रीमेंट में आ जाते हैं, ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा जिसमें वो लोग क्या कंडीशन डाल रहे हैं कि जो भी तुम्हारे राइट्स हैं और जो भी तुम्हारे लायबिलिटीज हैं तुम्हें एक्सरसाइज करने होंगे, वरना वो जो है हम डिस्चार्ज मान लेंगे या एक्सटिंग्विश मान लेंगे कि खत्म हो चुके हैं अगर तुमने विद इन द सेड पीरियड उसको क्लेम नहीं किया तो। ये भी एक्सेप्शन जो है वैलिड एग्रीमेंट में माना जाएगा और ये रिस्ट्रेंट नहीं कंसीडर होता। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 29 पे। सेक्शन 29 बोल रहा है एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। ये वॉइड क्यों बोला है? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन नहीं है या कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। इसका मतलब या तो वो अनसर्टेन है या हम उसको सर्टेन कर ही नहीं पा रहे, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, वो इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम उसको सर्टेन कर सके उस एग्रीमेंट को, तो वो एग्रीमेंट हमारे किस में आ जाते हैं? वॉइड एग्रीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए एग्री करता है बी को, वो बोलता है कि मैं तेरे को 100 टन ऑफ ऑयल देना चाहता हूँ। भाई अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 100 टन ऑफ ऑयल मैंने, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। मैं कुछ सर्टेन ही नहीं कर पा रही, मैं सर्टेन कर ही नहीं पा रही कौन सा ऑयल की बात हो रही है, इसलिए बोला कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, मेरे से नहीं हो पा रहा कि कौन से ऑयल की बात हो रही है, तो वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अनसर्टेन की वजह से। ऐसे ही ए एग्री करता है टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन नोन एज एन आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है क्योंकि इन्होंने बोल दिया स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, हमने डिस्क्राइब कर दिया इतना ये वाला चीज जो है हमें चाहिए होगी, तो ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ओके, ए हु इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली, जो सिर्फ इसी तेल में डील करता है, वो एग्री करता है मैं तेरे को 100 टन ऑफ ऑयल बेच दूंगा। नेचर ऑफ एज ट्रेड अफोर्ड एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स
एंड ए हैज एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन. तो ये वैलिड क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो डील ही कोकोनट ऑयल में करता है. तो अगर मैंने बोला मैं तेरे को 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि कोकोनट ऑयल ही. क्यों? क्योंकि तू डील ही सिर्फ उसी में करता है. सिमिलरली ए अग्री करता है, इलस्ट्रेशन डी, ए अग्री करता है टू सेल टू बी जितनी भी ग्रेनरी है उसके रामनगर में. यहाँ पे भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. क्यों? मैंने बोला भाई जितना भी कि जितना भी मेरे वेयर हाउस में सामान पड़ा है मैं वो सारे के सारे ग्रेन्स जो हूं तेरे को दे दूंगा. तो यहाँ पे भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. ओके, सिमिलरली ए एग्रीज टू सेल बी 1000 माउंड्स ऑफ राइस एट अ प्राइस जो सी फिक्स करेगा. As the price is capable of being made certain, यहाँ पे भी uncertainty नहीं है. क्यों? मैंने बोला हम दोनों के बीच में agreement है कि हम ये जो है चीज को बेचेंगे, पर ना price ना मेरा भाई decide करके बताएगा. तो price तो decide हो सकता है, तो ये agreement भी क्या हो गया? Valid माना जाएगा. Last, A agrees to sell to B my white horse for rupees 500 या 1000. मैंने बोला या तो 500 में ले ले या 1000 में ले ले. अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो अनसर्टेन हो गया. देर इज नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइसेस वाज टू बी गिवन. ये वॉइड हो गया भाई. 500 या 1000 फाइनल बता, ऐसे होता है. तो ये अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो एग्रीमेंट हमारा क्या माना जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट. ओके, सेक्शन 30, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर. जो भी एग्रीमेंट होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड माने जाते हैं. अब देखो ये हमने सेक्शन 23 में इसको क्लासिफाई क्यों नहीं किया? रीजन इसका है 23 में जो है वो बात करता है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट थे जो, या अनलॉफुल कंसिडरेशन था. वॉइड एग्रीमेंट था वो हमने मान लिया, बट सेक्शन 30 जो है वो सिर्फ डील करता है वॉइड एग्रीमेंट से. ये इस चीज को अनलॉफुल रेंडर नहीं कर रहा है. अब हमने बोला कि वेजर होता क्या है, वेजर के बारे में तो बताओ कुछ. वेजर अगर हम देखें, एक फेमस केस है जो लैंडमार्क भी है इसके ऊपर, घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेवदास. इस केस में जो एनसन है उन्होंने डिफाइन किया कि वेजर क्या होता है. वेजर एक प्रॉमिस होता है. मैंने बोला वेजर इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी वर्थ अपॉन द असर्टेनमेंट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. कि अगर अनसर्टेन इवेंट असर्टेन हो जाएगा तो जो भी जीतेगा या हारेगा, हारने वाला जीतने वाले को मनी वर्थ देगा, या मनी के बराबर जो भी इक्वल लगता है वो पैसा दे देगा उसको. ओके, सेक्शन 30 देखते हैं. एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होते हैं एंड कोई भी सूट नहीं ला सकते तुम उसमें से पैसा रिकवर करने के लिए. जो भी बंदा जीता है या हारा है वो उसके लिए केस नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं. ओके, अब आ जाओ इसका एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इसके दो हैं. एक तो हॉर्स रेसिंग एक्सेप्शन है. दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल, नहीं होगा अगर उसमें हॉर्स रेसिंग में अमाउंट 500 या उससे ज्यादा की होगी तो. सिमिलरली सेक्शन 294A जो स्टेट लॉटरीज की बात करता है, आईपीसी न्यू क्रिमिनल लॉज में देख लेना, स्टेट लॉटरीज की बात करता है, उसमें भी ये जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, इफेक्ट नहीं करेगा. क्या इफेक्ट नहीं करेगा? वेजरिंग एग्रीमेंट्स को. ठीक है, अब इसका जो है मैं नोट से भी बता देती हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं सेक्शन 30 के, जिसमें ये एसेंशियल्स से डील करता है. चलो वो देखते हैं. तो एसेंशियल्स क्या है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के? सबसे पहले मैंने बोला प्रॉमिस टू पे मनी या मनी इज वर्थ. अभी मैंने बताया या तो तुम 1000 रुपए दे दो या इतने की ही कोई और चीज भी मुझे दे सकते हो. अनसर्टेन इवेंट होना जरूरी है. इवेंट नीड ओनली बी अनसर्टेन इन द सेंस दैट पार्टीज प्रोफेस टू होल्ड अपोजिट व्यूज ऑन इट. अनसर्टेन कैसे? कि जैसे कि हाँ बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये क्या है हमारा अनसर्टेन. मतलब दोनों ही पार्टीज के अपोजिट व्यूज होने चाहिए. एक पॉजिटिव बोल रहा है तो एक नेगेटिव बोल रहा है. ए होल्डिंग अ व्यू डेट इट वुड रेन ऑन 1st Jan और बी कह रहा नहीं होगी भाई बारिश. बी विल पे 100 rupees टू ए इफ इट डज नॉट रेन. एंड अगर बारिश नहीं होती, अगर बारिश हो जाती है तो बी पैसे देगा, नहीं होती तो दूसरी पार्टी पैसे देगी. तो ये क्या है? वेजरिंग एग्रीमेंट माना जाता है. ठीक है, थर्ड एसेंशियल, एक बंदा जरूरी है यहाँ पे लूज करे और दूसरा जीते. नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, क्योंकि वो इवेंट कैसा है? अनसर्टेन है. अनसर्टेन है तो उस पे किसी का भी कंट्रोल होना नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए. नीदर पार्टी शुड हैव कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट.
फिर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर इवेंट हो सकता है. वेजर इज जनरली मेड ऑन अ फ्यूचर इवेंट, हमने बोला जनरली फ्यूचर पे होता है, बट ये पास्ट में भी हो सकता है. कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल, हम इस पे वेजर कर सकते हैं कि हमारा अर्थ फ्लैट है या नहीं, कि क्या अर्थ फ्लैट है, तो इस पे भी हम क्या है वेजर कर सकते हैं. ओके, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी का कोई भी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो सम इन्वॉल्व है या जो भी पैसा स्टेक पर है हमारा, जो भी पार्टी लूज करेगी विन करेगी उनका उतना ही सिर्फ उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई और भी और अनजेन्युइन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें. ओके, अब देखते हैं हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. सेक्शन 31 क्या बोलता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, अगर कोई इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, मतलब एक कंडीशन पे डिपेंड करता है जो कि एक फ्यूचर की कंडीशन है, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को करूंगा. जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तेरे को 10,000 दे दूंगा अगर तेरा घर जल गया तो. तो एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कोलेटरल होती है. ओके, सेक्शन 32 देखो, 32 और 33 हम साथ में पढ़ते हैं. 32 में हमें बताया है किसके बारे में? ऑन द इवेंट हैपनिंग के बारे में, ठीक है. 33 में बताया है नॉन हैपनिंग के बारे में. कह रहा है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अगर कोई जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है अगर वो हो जाता है, हम जो है कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं करवाएंगे जब तक कि वो इवेंट नहीं हो जाता. तो इन्होंने क्या बोला कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अगर वो अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, हम एनफोर्स नहीं करवा सकते जब तक कि, अनलेस एंड अंटिल वो इवेंट नहीं हो जाता. अगर सपोज वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा. जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए इलस्ट्रेशन ए बता रही हूँ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि बी टू बाय, मैं तेरा हॉर्स खरीदूंगा, ए कह मैं तेरा हॉर्स खरीदूंगा. कंडीशन है ए सर्वाइव सी, मतलब जब तक सी नहीं मर रहा ए भी जिंदा रहना चाहिए. तो ए जो है जब तक सी जिंदा है तब तक ए भी जिंदा रहना चाहिए. ये कॉन्ट्रैक्ट हम तब तक एनफोर्स नहीं करवाएंगे जब तक हमें नहीं पता लग जाता कि सी जो है ए की लाइफ टाइम में मर नहीं गया जब तक, क्योंकि जब सी मरेगा हमें तभी तो पता लगेगा कि ए ज्यादा ज्यादा रहा है सी से. तो ये क्या है, हमारी कोलेटरल कंडीशन मानी जाती है. ओके, नॉट हैपनिंग पे क्या है? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं हुआ तो हम इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते. कैन बी एनफोर्स, हम इसको एनफोर्स करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब हैपनिंग क्या है इम्पॉसिबल हो जाए. क्यों? क्योंकि हमने बोला डज नॉट हैपन. जैसे ए ने एग्री किया, भाई मैं तेरे को जो हूँ 1,000 रुपए दे दूंगा, अगर सर्टेन शिप, ये एक शिप थी कोई भी, अगर वो नहीं आई तो और शिप क्या है डूब गई, नहीं आई, हमारी कंडीशन थी 1,000 रुपए दूंगा, शिप नहीं आई तो कंडीशन हो गई फुलफिल. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स जैसे शिप डूब गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है. ओके, अब आओ सेक्शन 34 क्या कह रहा है? व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, अगर फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन है तो मतलब ये डिपेंड करता है फ्यूचर कंडक्ट पे, किसके? लिविंग पर्सन के. पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए एग्री करता है मैं तेरे को पैसे दूंगा, ए बोल रहा है बी को मैं तेरे को पैसे दूंगा 1,000 रुपए, अ सम ऑफ मनी, अगर बी ने सी से शादी कर ली तो. इसका मतलब अगर ए ने बोला मैं तेरे को 1,000 दूंगा, अगर बी ने, इसको ही दूंगा पैसे बी को, अगर इसने सी से शादी कर ली तो सी ने क्या करा, डी से शादी कर ली. अब अगर जैसे इसने डी से शादी करी, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये इम्पॉसिबल हो चुका है, जो इस बंदे का कंडक्ट था लिविंग पर्सन का, ये इम्पॉसिबल हो चुका है कि बी और सी शादी करे. यहाँ पे क्या है सेक्शन में, हमने बोला अभी पढ़ेंगे जब हम, हमें पता लगेगा अदरवाइज देन अंडर. तो हमने क्या बोला इसमें, अब ये बोल रहा है मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, जो बी और सी की शादी अब तो होना नामुमकिन है. क्यों? क्योंकि सी ने तो डी से शादी कर ली. ऑल दो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है सी और डी का डाइवोर्स हो जाए, हो सकता है डी की डेथ हो जाए. उस केस में हो सकता है कि सी अब बी से शादी कर ले, वरना अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहां क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल. अब देखते हैं सेक्शन.
इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम. इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग, जब वो पर्सन सी पर्सन कुछ ऐसा करता है जिससे इम्पॉसिबल हो गया, दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम या अदरवाइज देन एनी फर्दर कंटिजेंसी. तो इलस्ट्रेशन से आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. आ जाओ 35 पे. 35 पे भी बात करी है इवेंट होने की और ना होने की, पर कंडीशन क्या है यहाँ पे, स्पेसिफाइड इवेंट होने की या ना होने की, बट टाइम हमें बता दिया यहाँ पे फिक्स्ड टाइम के बारे में. ठीक है, जैसे कि देखो इन्होंने बोला कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, अगर कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन, अनसर्टेन क्यों, हमें नहीं पता होगा या नहीं, हैपन्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम बिकम्स वॉइड. अगर ये फिक्स टाइम था, अगर वो चीज हो जाती है टाइम के अंदर, वो वॉइड हो जाएगी अगर वो इवेंट नहीं हुआ उस टाइम के अंदर तो, या फिर वो टाइम फिक्स होने से पहले, ये यहाँ से पहले पहले हमें पता लग गया वो चीज इम्पॉसिबल हो गई, इसका मतलब हमारा इवेंट जो है क्या हुआ है, अनसर्टेन इवेंट का पता लगा है कि वो नहीं हो पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड. ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन भी देखेंगे. ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर एक शिप एक साल के अंदर आ गई तो. इस टाइम के अंदर एक साल का टाइम है, मैंने बोला मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा, ए बोल रहा है बी को, अगर ये शिप इस एक साल के अंदर आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होएगा, जब वो शिप जो है एक साल के अंदर अंदर आ गई तो. बट अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, सिंक हो गई, जल गई, कुछ भी हो गई एक साल से पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड. ओके, एंड बिकम्स वॉइड अगर शिप जो है जल गई तो. अब आ जाओ सेकेंड पैरे पे, कह रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड पैरा, अच्छा ठीक है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड विच आर कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, उस टाइम में अगर वो नहीं हुआ तो. इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल ए बोल रहा है बी को, पहले हम इलस्ट्रेशन ये पढ़ते हैं सेक्शन. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं हुआ उस टाइम के अंदर तो. मे बी एनफोर्स बाय लॉ, जब टाइम एक्सपायर्ड हो चुका है एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपन्ड बिफोर द टाइम एक्सपायर, वो इवेंट नहीं होएगा. तो मैंने बोला अगर इस एक साल के अंदर वो चीज नहीं हुई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा. जैसे ए ने प्रॉमिस किया मैं तेरे को पैसा दूंगा अगर वो शिप नहीं आई तो, एक साल के अंदर अगर वो शिप नहीं आई, पैसा हमारा डिस्कस कर रहा था हैपन होने पे, ये बोल रहा है नॉट हैपन, तो अगर वो एक साल के अंदर नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा देंगे अगर वो शिप नहीं आई उस साल के अंदर अंदर, या वो क्या है डिस्ट्रॉय हो गई, सिंक हो गई, कुछ भी हो गई हो, हमारा पीरियड लैप्स हो चुका है और वो नहीं आई है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा. दिस इज कंसिडर्ड टू बी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब आ जाओ सेक्शन 36. एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड. ये एग्रीमेंट कंटिजेंट है किसी ऐसी कंडीशन पे जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको फुलफिल कर सके. तो कंटिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है तो वो क्या होएगा, हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा, चाहे हमें इम्पॉसिबिलिटी पता हो या ना पता हो पार्टीज को जब वो एग्रीमेंट में एंटर किए थे. क्यों वॉइड होएगा, रीजन इसका क्या है, क्योंकि भाई ये इम्पॉसिबल इवेंट पे निर्भर करती है. इस वजह से जैसे इलस्ट्रेशन ए, ए ने बी को बोला भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर तू दो पैरेलल लाइन के बीच में स्पेस को कम कर देगा, इनक्लोज कर देगा, इनको मिला देगा. ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, पैरेलल लाइंस में तो हमेशा डिस्टेंस होता है और ये कभी मिल ही नहीं सकती है लाइंस. तो ये एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट हो गया हमारा, वॉइड एग्रीमेंट. ओके, अब देखो सेक्शन 36 अभी हमने पढ़ा. सेक्शन 36 के साथ मैं आपको चार सेक्शंस रिलेट करूंगी, ठीक है, जिसमें हमें थोड़ा डिफरेंस समझ आएगा. अगर याद हो हमने पढ़ा था एक पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली declared void, वो चीज हमने पढ़ी थी. कहां void declared है, कहां declared थी, 26 से 30, but not expressly declared, कहां का void declared है but expressly नहीं है. देखो हमें difference समझना होगा, कैसे पता लगेगा, section 36 को पढ़ के, 56 को पढ़ के, 20 को पढ़कर और 29 को, इनमें हमें difference पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, 36 अभी अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने बोला 36 में सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल नहीं है, रेदर जो हमारी कोलेटरल कंडीशन है
वो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं तेरे को 1,000 रुपए दूंगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बट इम्पॉसिबल क्या है, कोलेटरल कंडीशन। अगर तूने स्पेस एनक्लोज करी पैरेलल लाइंस के बीच में, तो 36 में हमारा सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल नहीं है, कोलेटरल कंडीशन इम्पॉसिबल है। ओके, और हमारा एग्रीमेंट यहाँ क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। सेक्शन 56 जो कि हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर ही इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे भी एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 20 में हमारा एग्रीमेंट कैसा होता है, वॉइड होता है, हमें पता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, यहाँ डिस्ट्रॉयड हो चुका है, और दोनों ही पार्टीज क्या है उस बारे में, अनअवेयर। इसका एग्जाम्पल हमने क्या समझा था कि वो हॉर्स की डीलिंग करते हैं दोनों, ब्लैक हॉर्स की, ए और बी, और ए और बी को दोनों को ही नहीं पता, ब्लैक हॉर्स तो डेड हो चुका है जब वो एग्रीमेंट में आए। तो एग्रीमेंट हमारा कैसा हो गया, वॉइड एग्रीमेंट। तो सेक्शन 20 में सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ना कि इम्पॉसिबल। सेक्शन 29 में तो पहली बात कोई इम्पॉसिबिलिटी की बात की ही नहीं गई। क्यों, वहां पे तो अनसर्टेनिटी की बात की गई है। हमें याद है ना, हमने पढ़ा था भाई तू ये घड़ी 1,000 में देगा या 1,500 में देगा, तो यहाँ तो अनसर्टेनिटी है, यहाँ कोई इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं की गई। और ये एग्रीमेंट्स भी कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। ओके, आई होप आपको इनमें चारों में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आ जाओ सेक्शन 37 पे। 37 क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या कह रहा है, जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली, या तो परफॉर्म करेंगी या वो ऑफर करेंगी कि भाई मैं परफॉर्म कर दूं क्या अपना प्रॉमिस, अनलेस, और वो प्रॉमिस क्या है, डिस्पेंस ना हुआ हो, या तुम्हें मना ना कर दिया, एक्सक्यूज ना दे दिया हो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई परफॉर्म मत कर, कोई बात नहीं, ये अलग चीज है। वरना जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनको या तो परफॉर्म करना होता है या ऑफर करना होता है परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस, ठीक है। अब कहाँ एक्सक्यूज हो सकता है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक्सक्यूज मिल जाए उन्हें ना करने से, किसी और लॉ के अंडर भी मिल सकता है, ठीक है। प्रोमिसेस बाइंड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर्स। इसका मतलब जो जो बंदे एलआर है वो जो है वो बाइंड होते हैं अपने प्रोमिसर का पर प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए। बट जहां पे पर्सनल स्किल्स आ जाएंगी, बाइंड होते हैं, बट जहां पे पर्सनल स्किल्स आ जाएंगी वहां पे एलआर भी बाउंड नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रॉमिस करता है मैं पिक्चर पेंट कर दूंगा बी के लिए, बट ए की तो डेथ हो गई। अब ये क्या है, पर्सनल स्किल पे है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम एनफोर्स नहीं करवा सकते उसके एलआर से, दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 38 पे। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है, जब एक प्रोमिसर ने ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसी को एंड ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। भाई प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज ए बी को फोन कर रहा है कि मैडम जी मैं आपके घर पे आ जाऊं क्या, आपने कहा था कि टूंटी ठीक करनी है या कुछ भी और काम है, तो ठीक है बी ने मना कर दिया। अगर भाई उसने एक्सेप्ट ही कर दिया, सॉरी रिफ्यूज ही कर दिया, किसने, बी ने, तो भाई प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके नॉन परफॉर्मेंस से। कल को भी शिकायत नहीं कर सकता कि ए जी आप आए नहीं हमारे घर पे, हमने आपको कहा था हमारी टूटी लीक कर रही है, क्या बात है जी। तो यहाँ पे प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, नो डज ही लूज, ना ही उसका कोई राइट लूज हुआ, ना ही कुछ क्रिएट हुआ है। ओके, एवरी सच ऑफर जो है बट फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए बी को फोन करके कह रहा है कि प्लीज आप ना मेरे लिए बाइक भेज दो, मैं ना आ नहीं पा रहा, नहीं, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये रात के 1 बजे कॉल कर रहा है और कह रहा है कि जी मैं अब आ जाऊं क्या, मैं अभी फ्री हुआ था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट द पर्सन टू होम इट इज मेड उसके पास कम से कम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए ऑफ अस्टेनिंग पर्सन बाय होम इट इज मेड, भाई विलिंग है या नहीं तू काम करने के लिए, ठीक है। अगर ऑफर जो है कोई चीज डिलीवर करनी थी प्रोमिसी को, प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देखने के लिए कि हाँ जो मेरे को चीज भेजी वो सही है या नहीं। अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैं तेरे को भाई 100 टी-शर्ट्स दे दूंगा, तो भाई बी को भी तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो शर्ट्स का एटलीस्ट कार्टून खोलकर देख तो ले कि सही है या नहीं, जो मैंने ब्रांड मंगवाया वो है भी या नहीं, या वैसे ही भेज दे तुमने, ठीक है।
तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे हो गए कवर। अब आ जाओ, एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस हैज अ सेम लीगल कंसीक्वेंसेस, मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का काम करता है कि अगर मैंने एक ही जॉइंट प्रॉमिसी को बोला है तो उसका सेम लीगल कंसीक्वेंस होएगा एज अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ओके, अब आ जाओ 39 पे। देखो 39 को पढ़ने से पहले मैं एक टर्म बताती हूँ, वो होती है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी क्या होती है, हम तीन सेक्शंस में पढ़ते हैं, 39 में, 53 में, 55 में। इसका मतलब क्या होता है, आज कोई चीज वैलिड है, इट मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट इन फ्यूचर जाके कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वॉइडेबल किसके कहने पे होता है, ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। अब हम सेक्शन 39 पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म अ प्रॉमिस होली। जब एक पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मना कर रही है परफॉर्म करने से, अपने आप को डिसेबल कर रही है, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा अपना प्रॉमिस पूरे के पूरा, प्रॉमिसी जो है खत्म कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, अनलेस ही इज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट अपनी एक्विसेंस। अगर ए ने बी को बोला, भाई तेरे को मेरे पास आना है और ऑडियंस को एंटरटेन करना है, तुझे गाना गाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने बोला तेरे को 5 दिन आना है, 3 दिन तो ये बी आ गया, चौथे दिन इसने मना कर दिया। अब ये ए जो है, ठीक है, क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर लेगा। बट अगर फोर्थ को ना आने की जगह ये सीधा फिफ्थ को अगर आ जाता है बी, और ए से पूछ लेता है, ए ने हाँ बोल दी, तो यहाँ पे बोल दिया ना, वो कंटिन्यू माना जाएगा। ये तो था वर्ड्स के द्वारा, कंडक्ट कैसे, बी जो है फिफ्थ को आके स्टेज पे चढ़ गया और गाना गाने लग गया, ए ने उसको रोका भी नहीं, तो इसका मतलब उसने अपनी इम्प्लाइड असेंट दे दी है, किसने, ए ने, कि हाँ भाई ठीक है तू कंटिन्यू कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट को, बट हाँ जो एक दिन का मेरे को लॉस हुआ है ना फोर्थ को, मैं उसकी भरपाई तो लूंगा ही, कंपनसेशन लूंगा। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए या सिंगर कॉन्ट्रैक्ट में आता है बी के साथ जो मैनेजर है कि मैं तेरे थिएटर में गाने गाऊंगा 2 नाइट्स हर हफ्ते ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 मंथ, 2 महीनों के लिए गाऊंगा। बी ने उसको एंगेज कर लिया एंड बी एंगेजेस टू पे 100 रुपए मिलेगा हर नाइट का। 6th नाइट पे ए ने जान करके एबसेंट कर लिया। भाई बी के पास प्रॉपर लिबर्टी है, प्रॉपर फ्रीडम है, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले वैलिड था बाद में एक पार्टी के कहने पे वो वॉइडेबल हो गया। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 40। सेक्शन 40 बोलता है पर्सन बाय होम द प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म। देखो इसमें जो हमारा जनरल रूल है वो बोलता है प्रोमिसर या जो एलआर है वो कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हैं जो भी प्रोमिस फुलफिल करवाना है उसके लिए। ओके, बट अगर पार्टीज ने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट है प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो वो सिर्फ प्रोमिसर के द्वारा ही परफॉर्म होना चाहिए। तो इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर दैट पार्टीज की इंटेंशन थी प्रॉमिस जो है परफॉर्म होना चाहिए प्रॉमिसर के द्वारा ही, तो वो प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा, प्रॉमिसर ही। बट बाकी केसेस में प्रॉमिसर या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन बी कह रहा है ए प्रॉमिस करता है टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो ये तो वो पर्सनली ही करेगा, वो उसका एलआर भी नहीं कर सकता ना ही कोई कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि प्रोमिसर खुद करेगा पर्सनल स्किल्स के ऊपर है। तो अब आ जाओ 41, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, हम सब जानते हैं सेक्शन 20 ऑफ SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कि अगर प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस ले ली किसी और थर्ड पर्सन से, तो अब जो ओरिजिनल बंदा था अगेंस्ट द प्रोमिसर, ओरिजिनल पार्टी थी उसके अगेंस्ट में, फिर वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। ठीक है, 42 में डिवोल्यूशन ज्वाइंट लाइबिलिटीज की है। इसी का मिरर रूल कहां दे रखी है, मिरर इमेज 45 में, जो बताता है ज्वाइंट राइट्स के बारे में। देखो अब पढ़ते हैं, व्हेन दो या दो से ज्यादा पर्संस ने जॉइंट प्रॉमिस किया, ए और बी ने जॉइंट प्रॉमिस किया सी को, ओके, देन ऑल सच पर्संस ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, ये दोनों जब तक ये जिंदा है, अगर ए मर गया तो इसका, ए का एलआर, हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद सर्वाइवर, सर्वाइवर कौन है यहां पे, बी, कि जो जिंदा है सर्वाइव कर रहा है,
और एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, अगर बी की भी डेथ हो गई तो इन सब के एलआर जो भी है वो प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे, ठीक है, जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया था ये लोग फुलफिल करेंगे, प्रोवाइडेड जो पर्सनल स्किल्स वाले हैं वो नहीं किए जाएंगे। ओके, आ जाओ सेक्शन 43 पे। सेक्शन 43 क्या बोलता है देखो, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है। 43 कह रहे हैं एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो ए है, बी है, सी है, इनको प्रॉमिस, इन्होंने प्रॉमिस किया था डी को हम परफॉर्म कर देंगे। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिसी जो है किसी को भी कंपेल कर सकता है, डी किसी को भी कंपेल कर सकता है पूरा प्रॉमिस करने के लिए, होल प्रॉमिस करने के लिए। ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर सपोज सी को ही कंपेल किया गया था, अब सी जो है ए से भी पैसे ले सकता है अपने हिस्से के और बी से भी, तो ईच प्रोमिसर मे कंपेल एवरी प्रोमिसर टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। तो हर प्रोमिसर क्या है, दूसरे को कंपेल कर सकता है, भाई कॉन्ट्रीब्यूट कर। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट, अगर इनमें से सपोज ये ही लॉस में चल, ये नहीं, ए सपोज लॉस में चला गया, इनसॉल्वेंट हो गया कुछ भी, तो इसका जितना भी खर्चा था अब ये दोनों आधे आधे इक्वली शेयर करेंगे, इक्वल शेयर्स में ये लोग शेयर करेंगे जो भी लॉस हुआ है। ओके, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन पे। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नथिंग शेल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय श्योरिटी, ठीक है। कह रहे हैं अगर श्योरिटी ने कोई भी पेमेंट करी है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो कॉमन सेंस श्योरिटी भी तो प्रिंसिपल से रिकवर करेगा एंड ऑल्सो वो इंटरेस्ट भी लेगा अगर कोई उसका श्योरिटी का इंटरेस्ट बनता है तो, ठीक है। देखो अब हम इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सारे, क्योंकि हमें इससे कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखो ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपए देंगे, ए बी और सी इन्होंने बोला हम जो है डी को 3,000 रुपए देंगे, ठीक है। डी कंपेल कर सकता है किसी को भी, डी किसी को कंपेल कर सकता है, ए को, बी को या सी को, कि ठीक है मेरे को पैसे दो मेरे। ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं टू पे डी 3,000, सी को कंपेल कर दिया, डी ने किसको कंपेल कर दिया, सी को, भाई दे पूरा का पूरा 3,000, क्योंकि इनका बनता कितना है एक एक एक, बट मैंने सी को कंपेल किया। ए हो गया इनसॉल्वेंट, ठीक है, बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट कि वो हाफ डेट्स दे सकता है, इतने तो सफिशिएंट थे कि वो आधा पे कर सकता है, आधा कितना हुआ 1,000 का, मतलब ये 500 रुपए पे कर सकता है। इट मींस बचे हुए 500 रुपए बी और सी डिवाइड कर लेंगे, तो मतलब 250 ये पे करेगा, 250 ये पे करेगा। ओके, सी एंटाइटल्ड है 500 रुपए तो ले लेगा ए से, एंड 1250 ले लेगा बी से। 1250 क्यों, अरे बचे हुए उसके 1,000 रुपए भी तो थे, वो भी तो देगा वो सी को। ओके, ए बी सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे 3,000, सी एनेबल है टू पे एनीथिंग। अच्छा, ये अब दूसरा आ गया सिनेरियो, वेट, अब हमने बोला ए बी और सी, एक 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 टोटल देने से 3, यहाँ पे क्या है सी अनेबल है पे करने के लिए, सी नहीं दे पा रहा कुछ भी, एंड ए को कंपेल करा भाई पूरे का पूरा अमाउंट दे, डी ने कंपेल किया भाई मेरे को तो पूरे 3,000 दे। जस्ट वेट, पीडीएफ सेव होने लग गई, सेव। देखो सी में मैंने बोला फिर ए को कंपेल किया यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा दे, किसने कंपेल किया, डी ने, कि मेरे को तो पूरा का पूरा पैसा दे, ए ने दे दिया 3,000। ओके, ए एंटाइटल्ड है, अब सी का पैसा तो नहीं मिल सकता क्योंकि ये नहीं दे पा रहा, कि इसका कितना था 1,000, तो ए और बी 500-500 देंगे इसके। अब मतलब बी कितना देगा टोटल ए को, 1,000 + 500, समझ गए, 1,500 रुपए दे देगा, तो वो 1,500 दे देगा बी को। ओके, सॉरी बी दे देगा किसको, ए को, क्योंकि ए ने पूरे पे करे हैं। ए बी सी जॉइंट प्रोमिसी है, डी को दिए 3,000, डी को देने इन्हें 3,000, ए और बी श्योरिटीज है सी के लिए, बींग ओनली श्योरिटीज, तो ए बी सी, सी के लिए श्योरिटी कौन है, ए और बी, सी फेल्स टू पे, भाई सी ने तो दिए ही नहीं, ए एंड बी आर कंपेल्ड टू पे द होल सम, दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर इट फ्रॉम सी, क्योंकि ये श्योरिटीज थे, अब इन्होंने जो है पूरा का पूरा पैसा दिया डी को, अब ये दोनों जो है रिकवर कर सकते हैं सी से। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 43। सेक्शन 44, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। अब इसमें क्या बोल रहा है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन ने जॉइंट प्रोमिस किया है, अगर उनमें से एक भी जॉइंट प्रोमिसर का रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है
कि उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है बाकी प्रोमिसर्स को, बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर, बाकियों को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा, ना ही वो फ्री कर रहा उन ज्वाइंट प्रोमिसर को दूसरे ज्वाइंट प्रोमिसर्स के अगेंस्ट में। इसका मतलब अगर प्रोमिसी ने किसी भी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को, मानो तीन प्रोमिसर्स थे, अगर एक को भी रिलीज कर दिया, तो वो जो प्रोमिसर रिलीज हुआ है सिर्फ वही रिलीज माना जाता है, ओनली अगेंस्ट दैट प्रोमिसी। ये जो बाकी दो बचे वो अभी भी लायबल होंगे किसके अगेंस्ट में, प्रोमिसी के अगेंस्ट में, ठीक है, ये वाला लायबल नहीं होगा। ओके अगला पॉइंट, डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स, सेक्शन 45 कह रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि सेक्शन 42 का मिरर इमेज है क्या सेक्शन 45, वहां पे लायबिलिटीज की बात की गई है और यहाँ पे राइट्स की। व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, जब यहाँ पे एक बंदे ने दो लोगों को प्रॉमिस किया है, अ राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट बिटवीन हिम एंड देम, तो राइट टू क्लेम, इसके पास जो राइट होगा क्लेम करने का परफॉर्मेंस, वो इनके बीच में ही रहेगा, ए और बी और सी के बीच में, विद देम ड्यूरिंग देयर ज्वाइंट लाइफ, इनका जब तक ये जिंदा है तब तक इनके अगेंस्ट में, वरना अगर इनमें से इसकी डेथ हो जाती है तो इसका एलआर प्लस ये जो सर्वाइवर है इसकी भी डेथ हो जाती है तो इसका भी एलआर आ जाएगा। ओके अब आगे आ जाओ सेक्शन 46 से, यहाँ पे ये जो है बता रखा है टाइम और प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, कहां से 46 से 50। देखो ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप लोग पढ़ लेना, 46 से 49 मैं मेरे नोट से समझाती हूँ। ओके तो देखो सेक्शन 46 बात कर रहा है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, जहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं हुई है एंड कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है, तो व्हेन अ प्रॉमिस, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर वो राइटिंग कर करके गंदा हो जाता है। चलो अब देखते हैं, तो when a promise is to be performed, हमें पता है जब promise perform होना है, जहां पे सामने वाले ने कोई application नहीं लगाई, ना ही कोई time specify हुआ है, तो promise कब perform होएगा? Reasonable time के अंदर। क्या है यहाँ पे? कोई time fix नहीं है, तो reasonable time के अंदर। 47 में क्या होगा? When time specified है, तो when a promise कब perform होगा? जहां पे promiser has undertaken, promiser बोल रहा है promisee tension मत ले, मैं अपनी ड्यूटी बांध रहा हूं, मैं परफॉर्म कर दूंगा, क्योंकि और यहाँ पे promisee ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, बट promiser ने undertake किया मैं परफॉर्म करूंगा, तो promiser परफॉर्म करेगा किसी भी टाइम पे, यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। ऐसे नहीं है तुम रात के 1 बजे कॉल कर रहे हो, तो कब परफॉर्म करेगा? यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस में। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे, यहाँ पे परफॉर्मेंस बात कर रहे हैं सर्टेन डे पे, तो व्हेन द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड एंड प्रोमिसर ने यहाँ अंडरटेक नहीं किया, ऊपर वाले में अंडरटेकन था परफॉर्म, यहाँ पे नहीं उसने अंडरटेक किया और ना ही एप्लीकेशन लगी प्रोमिसी के द्वारा, तो यहाँ प्रोमिसी की ड्यूटी है वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करेगा प्रॉपर प्लेस पे एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। इट मीन्स देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे मैंने बोला प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट, इसका मतलब सपोज हम राशन मंगवा रहे हैं फोन करके, ठीक है, हमने एक बार अपनी सारी लिस्ट उसको दे दी, ठीक है, अब हमने उसको कुछ नहीं बताया विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, हमने उसे कुछ भी नहीं बताया हमें कब चाहिए, यहाँ पे राशन वाले भैया ने खुद अंडरटेक कर लिया कि हाँ आज उन्होंने सामान लिखवा दिया, अब उसके घर पे जो है शाम को 5 बजे तुम लोग दे आना, ऐसे अपने बंदों को कह दिया उन्होंने कि शाम को 5 बजे उनके घर पे दे देना, तो प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइम पे यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस में। ओके बट यहाँ क्या है, मैंने प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यहाँ पे बोला प्रोमिसर ने अंडरटेक नहीं किया, राशन वाले भैया कह रहे हैं कि अपने अपने उनको कह रहे हैं वर्कर्स को कि वर्कर्स रुक जाओ अभी मेम साहब का फोन आने दो तब हम जो है उनका सामान पहुंचवा देंगे, अब यहाँ क्या बोला प्रॉमिस कब परफॉर्म होगा, प्रोमिसर ने अंडरटेक नहीं किया परफॉर्म करने के लिए विदाउट एप्लीकेशन, प्रोमिसी ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो अब यहाँ क्या होएगा, यहाँ पे प्रोमिसी की ड्यूटी बनेगी किस बारे में, टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस विद यू विद इन यूजुअल आवर्स, इसका मतलब प्रोमिसर ने बोला हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती है, तो प्रोमिसी फोन करेगा कि राशन वाले भैया आप मेरा सामान आज भिजवा देना, इतने बजे भिजवा देना, मैं घर पे आऊंगी। ओके अब आ जाओ 49 पे, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, यहाँ पे कोई प्लेस फिक्स नहीं है, व्हेन अ प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है,
तो प्रोमिसर की ड्यूटी है वो अप्लाई करेगा प्रोमिसी के पास रीजनेबल प्लेस पे कि वो अपना परफॉर्मेंस कर पाए प्रोमिस का। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 46 से 49। अब आ जाओ सेक्शन 50 पे। सेक्शन 50 कह रहा है परफॉर्मेंस इन मैनर या एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेंक्शन बाय द प्रोमिसी। क्या बोल रहे हैं? द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर। कह रहे हैं जो भी परफॉर्मेंस होगी प्रोमिस की किसी भी मैनर में हो सकती है, किसी भी टाइम पे हो सकती है, जो भी प्रोमिसी प्रिस्क्राइब करेगा। कौन प्रिस्क्राइब करेगा? प्रोमिसी प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, हम इसको कौन से सेक्शन के साथ पढ़ते हैं? सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जिसमें हमने पढ़ा था कि किस मोड से वो जो है अपना एक्सेप्टेंस बोल सकता है। ओके, अब आ जाओ आगे 51 पे। 51 में हमें क्या बताया है? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिस हम पढ़कर आए थे कहां पे? सेक्शन 2 के एफ में, याद है? तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे 51 में। क्या बताया है 51 में? कह रहा है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। अरे प्रोमिसर बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए, फिर अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जब कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं जो साथ में परफॉर्म होने थे, नो प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रोमिस। प्रोमिसर अनलेस प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग, इसका मतलब पहले जरूरी है कि प्रोमिसी रेडी होना चाहिए। अगर प्रोमिसी रेडी और विलिंग है तभी जो है प्रोमिसर बाउंड होगा, वरना प्रोमिसर भी बाउंड नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है गुड्स देगा बी को, टू बी पेड फॉर बी फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ए बोल रहा है मैं गुड्स दूंगा बी को। ओके, बी जो है मेरे को कैश दे देगा डिलीवरी के टाइम पे, सीओडी जिसे हम कहते हैं। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे। तो ए को कोई बाउंड नहीं है कि वो गुड्स को दे जब तक कि ये इसको पैसे नहीं दे देता। सिमिलरली बी भी पे करके वो नहीं होगा, बाउंड नहीं है जब तक कि ए रेडी विलिंग नहीं हो जाता। तो इट मींस अगर हम सेक्शन देखें, यहाँ पे प्रोमिसी दोनों पार्टीज के लिए यूज हुआ है, प्रोमिसर भी दोनों ही पार्टीज के लिए यूज किया गया है। ओके, 52 ऑर्डर क्या रहेगी, हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे परफॉर्म करना होगा। जब उन्होंने पार्टीज ने ऑर्डर एक्सप्रेसली मेंशन किया तो ठीक है भाई हम वैसे ही उसको परफॉर्म करेंगे, बट जहां पे एक्सप्रेस मेंशन किया ही नहीं तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? जो हमारा ट्रांजेक्शन का नेचर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कि ए जो है घर बनाएगा किसके लिए? बी के लिए, 10 लाख रुपए में। फिक्स प्राइस ले लिया मैंने 10 लाख। ए प्रॉमिस करता है मैं तेरा घर बना दूंगा, तो ये वाला प्रॉमिस ही तो पहले फुलफिल होना चाहिए बी के पैसे देने से पहले। तो ए प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी इज प्रॉमिस, तो ए का परफॉर्मेंस पहले होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, एक्सप्रेस नहीं था। तो हमने कहां से देखा? नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन को हमने देखा। ओके, 53 मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, बताओ कौन से सेक्शन के साथ? ये मैंने बताया था सेक्शन 39 जब हम पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने बात करी थी सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी की। सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी क्या होता है? स्टार्टिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो आगे जाके, सब्सिक्वेंट मतलब आगे जाके वो क्या बन चुका है? वॉइडेबल बन चुका है। ओके, अब हम पढ़ते हैं 53। 53 बोल रहा है लाइबिलिटी क्या है पार्टी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है और एक पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही है कि वो अपना परफॉर्मेंस ना कर सके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? जिसको प्रिवेंट किया गया है, एंड वो एंटाइटल्ड है, वो कंपनसेशन ले लेगा जो भी उसको हो रहा है। सपोज ए ने कोई सिंगर हायर करी, ठीक है, गाना गाने के लिए, तो ए और एस, एस लगा लेते हैं, ठीक है, इसने सिंगर हायर करी कि हाँ भाई आज तू 2 रातों के लिए गाना गा दियो। अब क्या किया ए ने? जान करके, मैंने वर्ड यूज किया जान करके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन में बोला गया है जब एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट कर रही है, यहाँ बोला है ना, एक पार्टी प्रिवेंट कर रही है दूसरी को, ए ने जान करके ठंडे पानी में बर्फ और डाल दी। पानी वही ठंडा था और बर्फ डाल दी, इससे क्या होगा? सिंगर का गला खराब हो गया, जिसकी वजह से जो सिंगर है वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो अब क्या होगा? जो सिंगर है वो एंटाइटल्ड है, कंपनसेशन लेगी फ्रॉम द अदर, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ, ए से कंपनसेशन लिया जाएगा और वॉइडेबल होएगा किसके ऑप्शन पे? सिंगर के ऑप्शन पे। ओके,
आ जाओ 54 पे. इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. क्या बोल रहे हैं, देखो हमने बोला कि ये जो सेक्शन है वो बात करता है कि यहाँ पे जो प्रॉमिसेस हैं वो क्या है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, म्यूचुअली डिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या है, देन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस जो है, जो पहला परफॉर्मेंस होएगा वो एक तरह से ऐसे लगा लो कि प्री कंडीशन होता है दूसरे प्रॉमिस का. देखो सपोज मैंने बोला एक कोई भी सिनेरियो था जहां पर ए को पहले परफॉर्म करना था, ठीक है, अपना प्रॉमिस, बट ए को परफॉर्म करना था, उसके बाद बी को परफॉर्म करना था, बट क्या हुआ, ए ने जो है अपना परफॉर्मेंस नहीं किया. अब क्या है, क्या बी भी परफॉर्म करेगा? आंसर इज नो. कल को ए नहीं बोलेगा कि बी ने परफॉर्म नहीं किया. रीजन क्या है, यहां कंपनसेशन बी को मिलेगा. रीजन क्या है, क्योंकि जो बी की परफॉर्मेंस थी वो ए की परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रही थी कि अगर ए वो काम करेगा तभी मैं आगे काम को बढ़ा पाऊंगा. ओके, जैसे कि अब मैंने बोला मेरे को घर बनाना था बी को, अब बी ने बोला जब मेरे को ए सामान लाकर दे देगा तब मैं उस घर को बना दूंगा. अगर सपोज ए ने सामान लाकर दिया ही नहीं तो बी तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे कल को ए ऐसे नहीं बोल सकता कि इसने बी ने मेरा हाउस ही कंस्ट्रक्ट नहीं किया. रीजन बीइंग, क्योंकि ए ने खुद ही अपने मटेरियल को सप्लाई नहीं किया. तो यहाँ पे बल्कि बी जो है वो कंपनसेशन ले सकता है कि ए की तरफ से ब्रीच हो चुका है. अब पढ़ते हैं सेक्शन. जब कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है सच डेट वन ऑफ देम परफॉर्म नहीं कर रहा, या उसकी परफॉर्मेंस हम क्लेम नहीं कर पा रहे जब तक दूसरा परफॉर्म नहीं कर लेता, मतलब हम बी की परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जब तक कि ए परफॉर्म नहीं कर देता, एंड द प्रोमिसर लास्ट मेंशन फेल्स. अब क्या हुआ, मैंने बोला प्रोमिसर लास्ट मेंशन फेल, इसका मतलब मैंने बोला कि अब ये जो ए था ये फेल हो गया परफॉर्म करने के लिए. ये प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस. अब ए भाई साहब जो है वो परफॉर्मेंस को क्लेम नहीं कर सकते बी से, एंड बल्कि कंपनसेशन देगा दूसरी पार्टी को. बल्कि ए तो बी को कंपनसेशन देगा फॉर एनी लॉस जो दूसरी पार्टी को हुआ है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से. जो भी बी को लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा. ओके, आ जाओ आगे सेक्शन 55 हमने कहां पढ़ा था बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया 39 53 एंड 55 बात करता था सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी की. आओ अब 55 पे कह रहा है इफेक्ट क्या होएगा अगर हमने टाइम फिक्स किया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का और वो क्या है तुम परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, और जहां पे हमने बोला था कि टाइम जरूरी है. तो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करती है सर्टेन थिंग करने के लिए किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पे, उससे पहले पहले, या कोई भी चीज बिफोर स्पेसिफाइड टाइम्स, एंड फेल हो जाती है करने से, कॉन्ट्रैक्ट becomes voidable किसके option पे, at the option of the promisee, मतलब जिसको भी loss हो रहा है उसके option पे. पर parties की यहाँ intention थी क्या चीज, की time essence of the contract है. For example, A ने B को बोला कि भाई मेरे को जो है ये hall चाहिए marriage purpose के लिए, ठीक है, marriage purpose के लिए 10 अक्टूबर से पहले पहले मेरे को ये hall चाहिए. यहाँ पे उसने बता दिया time is essence. अब क्या हुआ, बी होल नहीं दे पाया उसको 20 अक्टूबर तक भी वो नहीं दे पाया. यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होएगा ए के ऑप्शन पे, और ये कंपनसेशन भी क्लेम करेगा किससे, कर सकता है बी से, प्रोवाइडेड ए और बी के बीच में डिसाइडेड था कि टाइम एसेंस है उसको 10 अक्टूबर को चाहिए ही चाहिए. ओके, इफेक्ट ऑफ फेलियर जब टाइम जरूरी नहीं था. मैंने बोला, ए ने बोला बी को, भाई जब भी कोई हॉल खाली हुए ना मुझे बता देना, मेरे को हॉल चाहिए शादी के लिए. टाइम जरूरी नहीं था, अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी, क्या बोल रहा है ये, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी, अगर इंटेंशन नहीं थी कि टाइम एसेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, ए और बी ने सिर्फ डिसाइड किया था, ए ने बोला था भाई मेरे को होल चाहिए, उसने कोई टाइम यहां नहीं बताया, तो इसका मतलब वॉइडेबल तो नहीं होगा. बाय द फेलियर, अगर कल को बी नहीं दे पाता टाइम तक, थोड़े टाइम तक, प्रोमिसी एंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए जो भी उसको लॉस हो रहा है. सपोज मैंने उसको यूं टाइम एसेंस निकला था, मैंने कहा भाई 10 अक्टूबर तक देख लेना कोई होल मिल गया तो, ठीक है, बट क्या हुआ, मैंने ये नहीं बताया चाहिए ही चाहिए, जैसे फर्स्ट सिनेरियो में था.
अब क्या हुआ, वो 20 अक्टूबर तक दे रहे हैं। अब वही टाइम चाहे एसेंस ना हो, बट इतना डिले हो गया तो मेरे को जो लॉस होएगा वो बी को अब देना पड़ेगा। ओके, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म द प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी टाइम पे, सपोज बी ने जो है बाय चांस 20 अक्टूबर को उसको हॉल दे दिया, ए उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है भाई तूने 20 को दिया, 10 दिन ऊपर हुए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस बाय द नॉन परफॉर्मेंस। अब जो ए है वो कंपनसेशन नहीं मांगेगा, क्यों, वो एक्सेप्ट कर चुका है, पर अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव नोटिस ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब जब ए ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था, उसने बी के कानों से ये बात निकाल दी थी कि भाई देख तू 10 दिन ऊपर तो दे रहा है, मैं हॉल लेने को रेडी हूं, बट उस 10 दिन का मैं जो भी लॉस हुआ है मैं वो लूंगा। अगर मैंने ये एक्सेप्टेंस के टाइम पे ए ने बी को बोल दिया था तो ही वो सिर्फ जो है जो भी उसको लॉस हुआ है वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के फॉर्म में। बट अगर एक्सेप्टेंस के टाइम पे ए ने बी को कुछ भी ऐसा नहीं बोला तो अगर और उसने एक्सेप्ट कर लिया 10 दिन के बाद भी, अब वो फिर जो भी लॉस उसको हुआ है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, अगर उसने नहीं इन्फॉर्म किया तो। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 56 पे। सेक्शन 56 हम नोट्स में से भी पढ़ेंगे, पहले यहीं से देखते हैं। ओके, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, एंड एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। इसमें तीन पैरा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। भाई अगर तुम एग्रीमेंट कर रहे हो कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए, जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ए बी के साथ एग्री करता है चल हम ना मैजिक से कुछ डिस्कवर करते हैं, अरे भाई एग्रीमेंट ही वर्ड है, तुम इम्पॉसिबल चीज पर कर रहे हो वो चीज तो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल या अनलॉफुल। स्टार्टिंग में वो चीज वैलिड थी बट आगे जाके इन फ्यूचर वो अनलॉफुल हो चुकी है या वो इम्पॉसिबल हो चुकी है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वैलिड था वो इम्पॉसिबल हो गई, या कोई भी इवेंट की वजह से जो प्रोमिसर के हाथ में नहीं था वो अनलॉफुल हो गया, बिकम्स, अब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये वो सिनेरियो है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड होता है, व्हेन द एक्ट, जब वो एक्ट इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाता है। ओके, इसका इलस्ट्रेशन भी दूंगी मैं, एग्जाम्पल भी दूंगी। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉन टू बी इम्पॉसिबल। यहाँ पे मुझे पता था, मतलब वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस टू डू समथिंग, जो मुझे पता था या रीजनेबल डिलीजेंस से मैं पता कर सकती थी, जो सामने वाले को नहीं पता। अब कोई सिचुएशन ऐसी है जो मेरे को तो पता है, मैंने बोला कि हम ना बैग की प्रोडक्शन करते हैं, चलो हम दोनों ना मिलके सेल करते हैं, ठीक है आप मेरे को ये वाले बैग दे दो, जबकि मेरे को पता है आने वाले टाइम पे ये बैग जो है बैन होने वाले हैं, किसी ना किसी रीजन से ये बैन होने वाले हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो मैंने बोला जो मुझे पता था या मैं माइट रीजनेबल डिलीजेंस से मैं पता कर सकती थी, मार्केट में मैं जाकर पूछ सकती थी भाई ये बैग चलते हैं या नहीं चलते, और मुझे कहीं से पता लगने वाला था कि हाँ ये बैन हो सकते थे, होने वाले हैं, तो रीजनेबल डिलीजेंस से मैं पता कर सकती थी। एंड द विच प्रोमिसी डिड नॉट नो, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है, क्यों और मैं क्यों बताऊं, मेरे को तो उसको सेल करनी है, मैं नहीं बताऊंगी बी को। टू बी इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो गई वो चीज, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन फॉर एनी लॉस नॉन परफॉर्मेंस। तो अगर कल को मैंने वो बैग उसको बेच दिए या नहीं बेचे, तो जो भी बी को लॉस हुआ मेरे नॉन डिस्क्लोजर की वजह से, मेरे को उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड, ये भी बहुत इजी था, इसमें तीन पहरे थे। 56 को हम सबको पता है, ये हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम इसको नोट्स में से पढ़ते हैं। तो सेक्शन 56 देखते हैं, रैशनल क्या है सेक्शन 56 के पीछे। दो मैक्सिम्स आती हैं, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, लॉ जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता जो चीज इम्पॉसिबल है, लॉ क्या है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दूसरी, इम्पॉसिबिलियम नुला ऑब्लिगेशियो एस्ट, नो कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज आउट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, जब वो चीज इम्पॉसिबल है, अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी तुम एक्शन अराइज नहीं कर सकते हो, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। ठीक है, 56 अभी हमने पढ़ा,
पहला पहला बोलता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जहां पे हमने मैजिक वाला एग्जांपल पढ़ा, जहां पे एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड। सेकंड, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी क्यों? क्योंकि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट जब हमने किया तब तक ठीक था, आगे जाके वो क्या हो गया, अनलॉफुल या इम्पॉसिबल हो चुका है, जो प्रोमिसर भी प्रिवेंट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। थर्ड में आता है सेल्फ क्रिएटेड इम्पॉसिबिलिटी, जहां पे सामने वाला जिसको उस चीज की नॉलेज थी जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, या रीजनेबल डिलीजेंस से वो पता कर सकता था बट उसने पता नहीं किया, तो उसकी वजह से जो सामने वाले को लॉस हुआ है, अब इसको उस चीज के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका भी एग्जाम्पल पढ़ लिया था, इसका भी देखो 56 पैरा 2 जो क्या बोलता है, इम्पॉसिबिलिटी। इसमें हमें पता है तरह तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी होती है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। ठीक है, लीगल में तो इम्पॉसिबिलिटी कैसे हो गया कि आज कोई लॉ हमारा वैलिड है बट कल को कोई लॉ जाके क्या हो गया, नहीं होता, मतलब प्रोहिबिट कर रहा है उस चीज को आगे जाके। ठीक है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या आ जाता है, हमें पता है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में जब कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, या हम बोल सकते हैं पहला तो लिखो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अभी बताती हूँ इसका एग्जांपल, या अकरेंस, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट जो हमारा डिसाइडेड था वो अकर ही नहीं हुआ, या किसी भी पार्टी की डेथ हो गई, कल को वॉर हो गया, डिसेबल हो गई पार्टी, तो ये हमारे क्या आते हैं, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में। ओके, और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या आ जाता है, जो हमारा एसेंस था, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर बन रहा था हमारे एग्रीमेंट का, वही जो है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो गया, या वो हमें अब नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी में जहां पे जो मेन हमारा बेसिस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसको जाकर स्ट्राइक करता है। इन शॉर्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया किसी पर्पज के लिए, अब वो पर्पज फुलफिल नहीं हो सकता। ओके, हमें पता है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में, हमने जैसे पढ़ा भी है कि ए और बी ने बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें एक हॉल चाहिए जहां पे हमारी परफॉर्मेंस होगी, या कुछ भी, ठीक है, तो हमें एक हॉल चाहिए जहां परफॉर्मेंस होगी। अब ये एग्रीमेंट में आ गए, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इनका वैलिड फ्री कंसेंट ही सब कुछ था, जो भी एसेंशियल होते हैं। अब क्या हुआ, जब इसको बी को आना था हॉल में, उससे जस्ट 1 घंटे पहले ही क्या हुआ, हॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे, आग लग गई थी इसमें तो ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब बी कह रहे कि मेरे को तो कंपनसेशन दो, तो कोर्ट क्या कह रहे हैं, कोर्ट कह रहे हैं ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आएगा। फ्रस्ट्रेशन मतलब इसमें ना ए की गलती है ना बी की गलती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है पार्टीज की। अब किसी भी पार्टी की ना ही कोई राइट्स बनेंगे, ना ही कोई लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी। ओके, तो ये था सिर्फ सेक्शन 56 जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हम फ्रस्ट्रेशन पढ़ के आते हैं। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। किस बारे में बात कर रहा है कि जिसमें लीगल भी इंक्लूड है और इलीगल चीजें भी इंक्लूड है। देखो, वेयर persons reciprocally promise करते हैं, क्या promise कर रहे हैं कि हम वो चीज करेंगे जो legal है, and secondly जो है कुछ circumstances में हम लोग बोल रहे हैं हम कुछ और चीज करेंगे जो कि illegal है, तो legal वाला क्या हो जाएगा set of promise contract में, but जो illegal वाला है वो void agreement में result कर जाएगा। Okay, illustration देखते हैं। ए एंड बी एग्री करते हैं कि ए जो है अपना घर देगा बी को 10,000 के लिए। इन्होंने बोल दिया 10,000 के लिए, बट अगर बी ने वो गैम्बलिंग हाउस के लिए यूज किया तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहला जो सेट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों, वो तो 10,000 का वो तो वैलिड है, बट जो गैम्बलिंग वाला था वो क्या हो जाएगा, हमारा वॉइड एग्रीमेंट। ओके, आ जाओ 58 पे। 58 में बोल रहा है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, मतलब अगर भाई साहब ये नहीं होता ना, आप ये कर देना, ये होता है ऑल्टरनेटिव। ये नहीं मिल रहा तो ऐसा करो ये ला दो, वन ब्रांच इलीगल है। ऑल्टरनेटिव में क्या है, एक ब्रांच तो लीगल है दूसरी इलीगल है, तो यहाँ क्या होएगा, लीगल ब्रांच को ही हम एनफोर्स करवा सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉमिस ए ने किया था बट ए ने परफॉर्म नहीं किया, तो बी इन ऑल्टरनेटिव कैन आस्क अदर प्रॉमिस, बट वो कैसा होना चाहिए, प्रॉमिस लीगल होना चाहिए। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए एंड बी एग्री करते हैं कि ए जो है 1,000 रुपए देगा, फॉर विच बी जो है उसको क्या देगा, डिलीवर करेगा या तो राइस देगा या ओपियम देगा, स्मगल्ड ओपियम। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ राइस वाला,
एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा ओपीएम वाला, क्यों, ये इलीगल हो गया इस वजह से। ओके अब आ जाओ सेक्शन 59। 59 हमें पता है कौन सा रूल होता है, क्लेटन्स रूल। क्या होता है, क्लेटन्स रूल, जहां पे हम एप्रोप्रिएशन करेंगे पैसों की, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके कोई बात नहीं, 59 में बोला है पहली बात, जहां पे डेटर बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, देखो अगर एक ही डेट है अगर उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो 59 नहीं लगता, यहाँ पे जरूरी है अलग अलग डेट्स होने चाहिए। टू वन पर्सन वो पेमेंट करता है एक्सप्रेस इंटीमेशन के साथ, या फिर सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि पेमेंट को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है तुम्हें करना पड़ेगा उसको अप्लाई। सपोज ए डेटर है, इसने पैसे दिए अपने क्रेडिटर को बी को, इसने बोला कि ये अमाउंट थी, तीन अमाउंट थी अलग अलग। ए ने बोला कि ये जो अमाउंट दे रहा हूं मैं तेरे को सेकंड वाले के लिए दे रहा हूं, तो क्रेडिटर को वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर एक्सप्रेसली बोला है तो। अगर एक्सप्रेसली नहीं बोला और सर्कमस्टांसेस ऐसे शो कर रहे हैं कि हाँ वो ना सेकंड वाले के लिए ही दे रहा है, कैसे पता लगेगा, सपोज ये 1000 का था, ये 2000 का था, ये 3000 का था, अब इसने जो है इसको 2000 रुपए दिए, तो ये सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि वो सेकंड वाले डेट के लिए शो करना चाह रहा है, तो क्रेडिटर को वैसे ही अप्लाई करना होगा पैसा जो उसको मिल रहा है। ओके सेक्शन 60 में बोला वेयर द डेटर हैज ओमिटेड, डेटर तो बताना ही भूल गया और कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं पता लग रहे, अब क्रेडिटर अपने ही डिस्क्रिशन से उसको अप्लाई करेगा, अपने डिस्क्रिशन से एडजस्ट करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जो उसकी रिकवरी है पैसों की वो लॉ के द्वारा बार्ड है या नहीं। इट मींस अगर दो अमाउंट थी, चलो तीन अमाउंट थी, ठीक है, ये डेटर ये क्रेडिटर, इन दोनों का जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुका था, बट इसने दिए 5000 रुपए। जब इसने 5000 दिए, क्रेडिटर को पता है ना ही कोई इसने एक्सप्रेसली बताया, ना ही कोई सर्कमस्टांसेस हमें ऐसी दिख रही हैं, तो क्रेडिटर को जैसे 5000 मिले उसने पहले ये दोनों पैसों को एडजस्ट कर दिया, चाहे उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर ही क्यों ना हो गया हो। ओके 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहां पे दोनों ही पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से भी नहीं किया, ना डेटर ने इंटीमेट किया, ना सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं, उस केस में टाइम के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो बार्ड हो या ना इससे फर्क नहीं पड़ता, और अगर इक्वल स्टैंडिंग अमाउंट के हैं तो क्या होगा, उनको अलग अलग ईच को प्रोपोर्शनेटली कर देगा। इट मींस तीन अमाउंट थे, अगर ये 2000 का है, ये 2000 का है और ये 5000 का है, ठीक है, उसको मिले अगर 4000 रुपए, ये थे टाइम बार्ड, चाहे टाइम बार्ड हो, ऑर्डर ऑफ टाइम पहले ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, टाइम के अकॉर्डिंग, बट हमें पता है ये इक्वल अमाउंट है, तो ठीक है यहाँ पे 1000 रुपए दे देंगे, यहाँ पे 1000 रुपए दे देंगे, तो इनको भी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके अब आ जाओ जो कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते, कहाँ दे रखा है, सेक्शन 62 में, 63 में भी दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हम परफॉर्म नहीं करते, विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, इफेक्ट ऑफ नोवेशन रेसिशन ऑल्ट्रेशन, तीन टर्म्स हैं, नोवेशन रेसिशन ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन क्या होता है, जब हम सिर्फ कुछ चेंजेस करते हैं, पेरिफेरल, पेरिफेरल होता है ऊपर ऊपर से कुछ चेंजेस करते हैं, बट अगर मेरे मटेरियल चेंजेस करे दैट विल रिजल्ट इनटू नोवेशन। इनसे क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है हमें वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पार्टीज अग्री करती हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए रिसाइन या ऑल्टर ओरिजिनल नहीं परफॉर्म करना। अब नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में हमें डिफरेंस कैसे पता लगता है, नोवेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, हम नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं और ओल्ड वाला प्रॉपर खत्म हो जाता है। ऑल्ट्रेशन में हम सिर्फ छोटा मोटा चेंज करते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ए और बी पार्टीज थे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, हुआ क्या, ये लोग जो है फ्रूट्स बेचते थे, इन्होंने बोला हम फ्रूट्स के साथ अब जो है हम वेजिटेबल्स भी साथ में बेचेंगे, तो ये ऑल्ट्रेशन है कि उन्होंने एक नया चेंज कर दिया, बट ये जो फ्रूट्स बेचते थे अगर इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई आज से फ्रूट्स बेचना बंद, हम अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो रेस्टोरेंट जब ये खोलने की बात कर रहे हैं वो चीज हमारी आ जाएगी नोवेशन पे,
क्यों? हमने सब कुछ प्रॉपर चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ पेरिफेरल चेंज करे थे ऑल्ट्रेशन में। रेसिशन में क्या होता है, हम अपने बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर रहे हैं। ओके चलो आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो क्या बोल रहा है, ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ए को कुछ पैसा देना होगा बी को। इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी सी कि बी शेल हेंस फोर्थ एक्सेप्ट सी एज इज डेटर, कि बी जो है अब सी को अपना डेटर समझ ले। अभी तक कौन था? ए था डेटर, बट इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई आज के बाद तू सी को डेटर समझ लियो इंस्टेड ऑफ ए। जो ओल्ड डेट था ए और बी के बीच में, ये खत्म हो गया। न्यू डेट आ चुका है बी और सी के बीच में, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। अब बताओ ये क्या है, नोवेशन है कि ऑल्ट्रेशन है? ये नोवेशन है। क्यों? यहाँ पे पूरी की पूरी पार्टीज ही चेंज हो गई। ए और बी के बीच में था, अब बी और सी के बीच में आ गया इस वजह से। ओके अब आ जाओ 63 पे, प्रोमिसी में डिस्पेंस विद। ओके वेट, 62 में इंपॉर्टेंट ये है, कंसेंट दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। कंसेंट प्रोमिसर की भी होनी चाहिए, प्रोमिसी की भी। कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, रिनोवेशन कर रहे हो, चाहे रेसिशन कर रहे हो, पर 63 में कंसेंट सिर्फ प्रोमिसी की ही देखी जाती है। प्रोमिसी क्या कर सकता है यहाँ पे? डिस्पेंस कर सकता है, रेमिट कर सकता है, या तो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस या पार्टली, ठीक है, मेड टू हिम, या वो टाइम भी एक्सटेंड कर सकता है, या कुछ भी सेटिस्फेक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऊपर एक डॉक्ट्रिन है सेक्शन 63 पे, उसका नाम बताओ, सोचो उसका नाम। इसके ऊपर जो डॉक्ट्रिन है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। देखो एकॉर्ड मतलब क्या होता है, अभी एक बार पीडीएफ सेव हो रही है फिर मैं लिख के बताऊंगी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब देखो एकॉर्ड मतलब होता है हमारा एग्रीमेंट, सेटिस्फेक्शन होता है कंसीडरेशन। ओके अब इसमें क्या होता है, अगर सेक्शन 63 में तीन ऑप्शंस है, प्रोमिसी या तो डिस्पेंस कर सकता है, रेमिट कर सकता है पूरा परफॉर्मेंस को, मतलब कि वो चूज कर रहा है प्रोमिसी कि मुझे अब परफॉर्म नहीं करना है, या वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है, बट ये टाइम भी एक्सटेंड होएगा तो कौन सा होना चाहिए, रीजनेबल टाइम, या हमने बोला कोई भी सेटिस्फेक्शन ले सकता है, इसका मतलब वो उसके बदले में कोई पैसा भी ले सकता है या कोई चीज भी ले सकता है, कोई थिंग भी ले सकता है। ओके अब देखते हैं इसका हम एक एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन ए देखो। इलस्ट्रेशन ए बोल रहा है, ए प्रॉमिस करता है टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ठीक है, मैं तेरे लिए जो हूँ पेंटिंग कर दूंगा। बी बाद में उसको मना कर देता है, ठीक है, ए अब कोई बाउंड नहीं है, क्यों? उसने खुद ही मना कर दिया बी ने इस वजह से। ओके अब आ जाओ इलस्ट्रेशन सी पे, ए को जो है 5,000 रुपए देने थे, सी ने जो है 1,000 रुपए दे दिए, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम ऑन ए। ए को 5,000 रुपए देने थे बी को, बट क्या हुआ, सी ने इसको 1,000 रुपए दे दिए और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई ए का जो भी क्लेम था मैंने माफ कर दिया बचे हुए का। पेमेंट इज अ डिस्चार्ज ऑफ द होल क्लेम, अगर अब इसने 1,000 रुपए लिया, इसने बोला ठीक है भाई ए की तरफ से जो आने थे आ गए, इसका मतलब अब ये 5,000 रुपए दोबारा क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मानो प्रोमिसी ने डिस्पेंस कर दिया, अगर प्रोमिसी ने, ये प्रोमिसी है हमारा, अगर उसने एक बार जो भी वो था परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस डिस्पेंस कर दिया, क्या बाद में वो प्रोमिसर को सू कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि भाई प्रोमिसी ने खुद ने ही तो कंसेंट दिया है। हमने अभी तो बोला 63 में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी की कंसेंट मायने रखती है, दोनों पार्टीज की नहीं। ओके अब आ जाओ सेक्शन 64 पे, कंसिक्वेंसेस क्या है ऑफ रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कहां पढ़ कर आए थे, सेक्शन 19 में और 19A में। व्हेन अ पर्सन एट हूज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जिसके ऑप्शन पे वॉइडेबल था उसको कैंसिल करवाना है, रिसाइंस इट, अदर पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है अपना प्रॉमिस, द पार्टी रिसाइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट शेल। तो अब जो बंदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला भागा भागा गया कोर्ट में कि भाई मेरा तो जो है कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दो, मेरे साथ तो क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है। ओके अगर उसको कोई बेनिफिट मिला है दूसरी पार्टी से तो तेरे को वो बेनिफिट तो रिस्टोर करना पड़ेगा,
टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वॉज रिसीव. तो भाई ए तू आ तो गया अंडर इन्फ्लुएंस के नाम पे कि ये जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और तू ये भी डिमांड कर रहा है कि उसको रिसाइन करवा दो. ठीक है भाई मैं करवा दूंगी, पर जो तेरे को बेनिफिट मिला है मेरे को वो तो दे. मैं दूसरे पार्टी को थोड़ी ना लॉस होने दूंगा. अगर मैं तेरा फायदा कर रहा हूं तो दूसरे पार्टी का भी तो देखूंगा. ओके. सेक्शन 65 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज, यहाँ पे बात करता है वॉइड एग्रीमेंट की या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो जब भी एक एग्रीमेंट डिस्कवर होता है कि वो वॉइड एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड जो हमने सेक्शन 56 में भी पढ़ा था, एनी पर्सन जिसको भी बेनिफिट मिला है कोर्ट क्या बोलेगा, भाई या तो बेनिफिट रिस्टोर कर या सामने वाले को कंपनसेशन दे. ओके. इलस्ट्रेशन देखो, ए जो है 1000 रुपए देता है इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रोमिसिंग टू मैरी सी. अब क्या हुआ, ए ने जो है 1000 रुपए दिए, वो कहता है बी को कि भाई तू मेरे को प्रॉमिस कर तू सी से शादी करेगा. सी कौन है, इसकी बेटी. सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस. अरे भाई ये तो डेड है, तो मतलब इन्हें जान करके किया, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होएगा. किसके कहने पे, वॉइडेबल होगा ये एग्रीमेंट. नहीं, वॉइडेबल नहीं होगा, वेट, वॉइड होएगा. क्या बोल रहे हो दोबारा, एग्रीमेंट क्या होएगा, वॉइड होगा. किसके उस पे, ये बी बोल रहा है. क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई ए एग्रीमेंट करने चला उस बंदे के साथ जो ऑलरेडी डेड था, कि बी वो चाहता है मैं मतलब बी शादी कर ले सी से जो कि डेड है. तो बट बी मस्ट रीपे ए. अरे ए कह रहा है मैंने तो सर जी इसको 1000 रुपए दिए थे. कोर्ट कह रहा है भाई टेंशन मत ले, बी चुपचाप ए को उसके 1000 रुपए वापस दे. ओके. ये है हमारा सेक्शन 65. आ जाओ 66 पे. 66 कह रहा है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग या रिवोकिंग किस चीज को, रेसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम रिसाइन करवा रहे हैं कैसे कम्युनिकेट करें, तो जो भी रेसिशन हो रहा है हम सेम मैनर में कम्युनिकेट करेंगे जैसे हम रिवोकेशन या कम्युनिकेशन करते हैं प्रपोजल का. ओके. मतलब कि जो हम सेक्शन 3 से 5 में पढ़कर आए थे. इफेक्ट क्या होएगा ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस. इसका मतलब अगर प्रोमिसी मना कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज देने के लिए, तो भाई प्रोमिसर एक्सक्यूज हो गया उस परफॉर्मेंस से. जैसे कि मैंने बोला ए ने बी को फोन करना था कि जी आपने कहा था कि आपके घर में खराबी चल रही है मेरे को वो रिपेयर करना है. अरे मैं तो फोन करे जा रहा हूँ, ये बी उठा ही नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ. तो प्रोमिसी नेग्लेक्ट या रिफ्यूज टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज, वो फोन उठाएगा तभी तो मेरे को बताएगा यहाँ आना है या नहीं आना. तो भाई अगर नहीं कर रहा तो प्रोमिसर की गलती नहीं है, ये एक्सक्यूज हो चुका है उस नेग्लेक्ट या रिफ्यूजल की वजह से जो बी ने किया. ए कॉन्टेक्ट करता है बी को टू रिपेयर बीज हाउस. बी मना कर रहा है टू पॉइंट आउट टू ए टू द प्लेस जहां पे हाउस को रिपेयर चाहिए. ठीक है, वो तो घर पहुंच गया रिपेयर के, बी बता ही नहीं रहा कौन सा हिस्सा खराब है कौन सा हिस्सा सही करना है. तो भाई एक थोड़ी ना उसमें कुछ कर सकता है, ए तो एक्सक्यूज हो गया उस चीज से. इफ इट इज कॉल्ड बाय सच रिफ्यूजल या नेग्लेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या हो चुका है, एक्सक्यूज हो चुका है. ओके. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 68 पे. सेक्शन 68 हमारी बात कर रहा है क्वाजाए कॉन्ट्रैक्ट की. क्वाजाए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये, क्या ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज ये हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस ही मानी जाती है. रीजन बीइंग क्योंकि क्वाजाए कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिख तो रहे हैं बट असल में है नहीं. क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ एसेंशियल्स होते हैं हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो कि उनमें से एक या दो एसेंशियल्स पूरे नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये क्वाजाए कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं. ओके. तो अब आ जाते हैं हम 68 पे. क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो अगर कोई पर्सन इनकैपेबल था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए और एनीवन जिसको वो लीगली बाउंड था कि वो सपोर्ट कर सके बट उसको कोई और पर्सन दे रहा है, पहली बात सिर्फ और सिर्फ नेसेसरीज के रिगार्डिंग, जो भी नेसेसरीज होती हैं एक बंदे की लाइफ के लिए, अगर वो कोई और बंदा उसको दे रहा है
तो पर्सन हु हैज फर्निश्ड, जिसने उसको ये सब दी है फैसिलिटीज, वो एंटाइटल्ड है, वो रीइंबर्समेंट ले सकता है। सबसे जरूरी है यहाँ पे सिर्फ उस पर्सन की प्रॉपर्टी से, उस इनकैपेबल पर्सन से डायरेक्ट नहीं मांग सकता है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से ही रिकवर कर सकता है। ए ने क्या किया, सप्लाई किया बी को, एक ल्यूनेटिक था, ए ने क्या दिया उसको, नेसेसरीज दी जो भी जरूरी जरूरी थी उसकी लाइफ के लिए। तो ए यहाँ पे एंटाइटल्ड होएगा कि उसको रीइंबर्स किया जाए सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेशल बोला है प्रॉपर्टी से। ओके, 69, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ व्हिच ही इज इंटरेस्टेड। पर्सन जो इंटरेस्टेड है इन द पेमेंट ऑफ मनी, सपोज ये कोई लैंड थी वो बंदे की, ए बंदे की थी, बट जो बी बंदा है ना वो हर दिन इस पे आता था और यहाँ पे 1 घंटा उसको बैठना ही होता था। क्यों, हो सकता है ये यहाँ पे काम करता हो अपना बैठ के, या पढ़ता हो या रखवाली करता हो, कुछ भी करता हो। तो मैंने बोला पर्सन जो इंटरेस्टेड था पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड। अब बी का यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा होता था, बट ए ने क्या है इस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो ओनर था वो ए से ये प्रॉपर्टी लेने वाला था या किसी और को सेल आउट करने वाला था, बट बी का तो इसमें इंटरेस्ट था। तो बी ने क्या किया, इस लैंड की पेमेंट जो है वो किसको दे दी, ओनर को पे कर दी। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, कौन इंटरेस्टेड था, बी, विच अनदर इज बाउंड, बाउंड कौन था पे करने के लिए, ए, बाय लॉ टू पे। एंड हु देयरफॉर पेज इट, कौन पे कर रहा है, बी, एंटाइटल्ड है, वो रीइंबर्समेंट ले लेगा ए से। क्यों, क्योंकि इसने इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए पे किया जबकि बाउंड था पे करने के लिए कौन, ए, इस वजह से। ओके, आ जाओ सेक्शन 70, कह रहा है ऑब्लिगेशन है पर्सन की जो भी बेनिफिट एंजॉय कर रहा है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूअस कौन सा होता है भाई, मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं ये काम, फ्री में नहीं कर रहा हूं, तो अगर तुमने कोई बेनिफिट ले लिया है मुझे वो चीज रिस्टोर करो। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर, तो कोई पर्सन लॉफुली किसी के लिए कुछ काम करता है या गलती से कोई चीज दे जाता है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी फ्री में करने की, एंड दूसरे पर्सन ने उसको एंजॉय कर लिया बेनिफिट को, अब जिसने एंजॉय किया वो मेरे को कंपनसेशन देगा या मेरे को मेरी चीज वापस दे दे, सिंपल। तो ए एक ट्रेडमैन गुड्स को छोड़ जाता है बी के हाउस पे, जैसे कि हम ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं, सपोज मैंने कोई भी ड्रेस मंगवाई और वो गलती से किसी और की ड्रेस डिलीवर हो गई, मैंने उसको अपनी समझ के रख लिया, अब वो जो बंदा है वो अपनी वापस या तो ड्रेस को रिस्टोर करने के लिए बोलेगा या जो भी अमाउंट थी मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने वो काम फ्री में नहीं किया था, नॉन ग्रेटिट्यूअस था। ओके, 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर और अपनी कस्टडी में अगर ले लेता है उसको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी जैसे कि एक बेली की होती है। ओके, 72, उस पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी जिसको मिस्टेक से या कोएर्जन से कोई भी चीज, थिंग या मनी दे दी गई है, तो उस बंदे की ड्यूटी है वो उसको रीपे या रिटर्न कर देगा। रीपे क्यों, मनी के केस में, रिटर्न कब, थिंग के केस में। ओके, जैसे कि ए और बी ने जॉइंटली 100 रुपए दिए थे सी को, ए और बी ने देने हैं सी को 100 रुपए, ए ने अकेले ने क्या है 100 रुपए दे दिए, बी को नहीं पता था, बी ने बाद में सी को 100 रुपए दे दिए, अरे भाई सी बाउंड है वो 100 रुपए वापस देगा बी को, क्योंकि बी को नहीं पता था यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है बी ने पैसे दे दिए थे। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 73 पर, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, कंपनसेशन की बात कर रहा है, जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी हम उससे क्या लेंगे, कंपनसेशन लेंगे। क्या बोल रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, जिसको भी उससे नुकसान हो रहा है वो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए दूसरी पार्टी से जिसने भी तोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनसेशन लेगा उस लॉस या डैमेज के लिए, प्रोवाइडेड जो वो नेचुरली अरोज हुए हो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में, या जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई थी पार्टीज को कहीं ना कहीं पता था कि हाँ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो हमें इतना लॉस जो है हो सकता है।
अब मैंने बोला ये कंपनसेशन जो है हम इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस के लिए नहीं देंगे, तो अगर मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से किसी को डायरेक्ट लॉस हो रहा है तभी मैं हूँ कंपनसेशन के लिए लायबल होंगी, वरना मैं लायबल नहीं होंगी। ओके, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएट बाय कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबलिंग मतलब क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ब्रीच होता है तो वो पैरा 3 के अकॉर्डिंग 73 में कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। व्हेन एन ऑब्लिगेशन जो रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरह एंड वो डिस्चार्ज नहीं हुए, किसी भी पर्सन को इंजरी हुई है बाय द फेलियर, वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन ले सकता है उस पार्टी से जिसने डिफॉल्ट किया है। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। इन एस्टिमेटिंग द लॉस या डैमेज जो भी अराइज हो रहा है, द मींस which existed of remedying the inconvenience must be taken into consideration. इसका मतलब भाई parties की duty बनती है कि वो कोशिश करें mitigate करने के लिए, loss को कम से कम करने के लिए सारे means को वो consider करें जो भी help करता है उनके loss को reduce करने के लिए। Okay? देखो इसका मैं एक छोटा सा example देती हूँ। Suppose मैंने बोला कि अगर A और B के बीच में contract था, ठीक है, कौन सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन वाला जहां पे मैंने बोला रिड्यूस करने के लिए लॉस को। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं जो हूँ 50,000 का टीवी बेचूंगा। कल को अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है और सपोज कोई थर्ड पार्टी जो है अग्री हो जाती है ए से कि भाई ये टीवी जो है मैं 40,000 का ले लूंगा, यहाँ पे ए को क्या करना चाहिए, उसको 40,000 में दे देना चाहिए, बजाय इसके मैं तो पूरे के पूरे 50,000 बी से पहले रिकवर करूंगा फिर देखेंगे को। तो कल को अगर डी आ जाता है और वो बोलता है मैं तो 10,000 से ऊपर नहीं दूंगा इसके पैसे, तो भाई यहाँ पे ए की मिस्टेक क्या रही कि भाई तेरे को कोशिश करनी चाहिए थी जितना लॉस कम हो सके तू उसमें हेल्प कर सके। ठीक है, कंपनसेशन हम ए को फिर भी दिलवाएंगे बी से जो उसको लॉस हुआ है, बट ए को यहाँ पे क्या कोशिश करनी थी, मिटिगेट करने के लिए जो भी लॉस हुआ है। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 60-74 पे। चलो एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी का हाउस रिपेयर करने के लिए एक सर्टेन मैनर में और उसको पैसे मिल जाते हैं एडवांस में। ए हाउस रिपेयर कर देता है बट नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तेरे को ऐसे ऐसे कुछ रिपेयर करना है, तूने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो किया ही नहीं, तो भाई बी एंटाइटल्ड है ए से रिकवर करेगा द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द रिफॉर्म्स रिपेयर्स कंफर्म टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी तूने कॉन्ट्रैक्ट के विपरीत जाके किया है ना उसका पैसा तो तेरे को मेरे को देना पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 74 पे। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, मतलब व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है पार्टीज के बीच में ब्रीच हो गया, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में कोई सम लिखा हुआ था कि बंदा अगर कोई ब्रीच करेगा, पार्टी कोई भी ब्रीच करेगी उसको 50,000 देने पड़ेंगे। ओके, या कोई और स्टिपुलेशन थी पेनल्टी के नाम पे, हमने बोला या तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे या पेनल्टी के तौर पे उसको कुछ और करना है, पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ द ब्रीच वो एंटाइटल्ड है चाहे जो एक्चुअल लॉस था या डैमेज था, चाहे वो हुआ हो या ना हुआ हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिसको भी लॉस हुआ है वो रिसीव करेगा जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उससे रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट या जो भी पेनल्टी है। इसका मतलब अगर कल को ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें उन्होंने लिखा था 50,000 लेंगे हम ब्रीच होने पे, और कल को अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो कोर्ट जो है जितनी भी अमाउंट लिखी है 50,000 वाली, जिसको भी लॉस हुआ है उस पार्टी को अवार्ड कर देगी, प्रोवाइडेड ये अमाउंट रीजनेबल होनी चाहिए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखी है उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, a stipulation for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty. तो अगर interest की कोई बात हो रही है हम उसको भी ऐसे penalty के तौर पर ले सकते हैं। फिर आ जाओ इसके exception पे। Exception क्या बोल रहा है, देखो when any person enter करता है bail bond में या recognizance में या किसी भी और instrument में of some same nature या को ऐसा provision है central government या state government के order है और वो बॉन्ड देता है कि तेरे को पब्लिक ड्यूटी के, मतलब कि इन शॉर्ट मैंने बोला गवर्नमेंट के साथ अगर किसी का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक ड्यूटी के बेस पे और अगर किसी भी पार्टी ने इस चीज को ब्रीच किया
इन विच दिस पब्लिक इंटरेस्ट है, वो बंदा लायबल होएगा अगर उसने वो कंडीशन ब्रीच करी, किस चीज के लिए, पूरे के पूरे अमाउंट के लिए। ऊपर वाले में तो क्या था, वो रीजनेबल हो सकता है बट जो अमाउंट मेंशन है उससे एक्सीड नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। बट इस केस में क्या है, जब गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था और पब्लिक ड्यूटी के लिए था, पब्लिक इंटरेस्ट में था, तो भाई अगर जिसने ब्रीच किया उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में सिंपल ही है, अ पर्सन जो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में डज नॉट नेसेसरी देयर बाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी या प्रॉमिस टू डू एन एक्ट विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। ये इजी था। जैसे हम इसका इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, अगर ए ने सर्जन के तौर पे प्रैक्टिस करी कैलकटा में, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर ए ने प्रैक्टिस करी एज अ सर्जन कैलकटा में, ही विल पे, ये 5,000 रुपए देगा बी को, ए ने प्रैक्टिस कर ली इन कैलकटा, भाई बी एंटाइटल्ड है 5,000 के लिए, पर इससे ज्यादा नहीं, क्यों, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही 5,000 लिखे थे और जितना भी कोर्ट को रीजनेबल लगता है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अब आ जाओ लास्ट सेक्शन इस वीडियो का, दैट इज सेक्शन 75। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 75 पढ़ रहे हैं ना, हाँ, पार्टी राइटफुली रिसाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, वो एंटाइटल होएगा कंपनसेशन के लिए। इसका मतलब क्या है, पर्सन जो भी राइटफुली रिसाइन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, खत्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, वो एंटाइटल है कंपनसेशन के लिए, कोई भी डैमेज जो भी उसको हुआ है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हम ये एग्जाम्पल पढ़ के भी आए थे पहले। ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, मैं गाना गाऊंगा 2 नाइट के लिए हर हफ्ते 2 महीनों तक। बी एंगेज करता है, 100 रुपए देता है। 6th नाइट पे ए ने विलफुली अपनी मर्जी से एब्सेंट हो गया थिएटर से, बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अब बी जो है एंटाइटल्ड है, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, क्यों, ए ने उसको मना कर दिया इस वजह से कि मैं तो नहीं आ रहा और ना ही मैं गाना गाऊंगा। तो बी यहाँ पे क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है और यहाँ पे इसको जो भी लॉस हुआ है उस चीज के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ओके, ये था हमारा इजी सा सेक्शन 75। तो अब हमारा यहाँ पे सेक्शन 1 से लेके 75 कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं डिटेल रिवीजन जल्दी जल्दी करवा सकूं, ताकि वो क्विक रिवीजन हमें क्या है, रिकॉल करने में आसानी हो हमारे वेरियस सेक्शंस को। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।